सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित सिंह एंड आज हम लोग चालू करने वाले हैं क्लास 12th कॉमर्स का जो इकोनॉमिक्स है HSC महाराष्ट्र बोर्ड का, उसका वन शॉट लेक्चर्स का सीरीज हम लोग चालू करने वाले, जिसका ये आज लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम अपना चैप्टर 1 को फिनिश करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो ज़्यादा लेक्चर लंबा नहीं होगा, आधे घंटे में आराम से हम अपना पूरा चैप्टर जो है फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो बेसिकली अपना ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी क्या होता है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, यही सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर के अंदर बताई गई है, उसके इंपॉर्टेंस, उसके फीचर्स और कुछ नहीं है ज़्यादा, मतलब कुछ हार्ड चीज़ नहीं है, काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं। तो देखते हैं बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अपना ये जो चैप्टर नंबर 1 है इसका एग्जाम में वेटेज कितना रहेगा, मतलब कितना मार्क्स के लिए आएगा। तो देखो विदाउट ऑप्शन की अगर बात करें तो 7 मार्क्स के लिए है, एंड अगर विथ ऑप्शन की बात करें तो आपको 10 मार्क्स तक ये रहेगा। मतलब विथ ऑप्शन की अगर कोई क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है बोलेगा कि इसमें से 3 लिखो, तो ऐसे ऑप्शंस में रहेंगे तो ऑप्शन मिलाकर 10 मार्क्स का टोटल इसका वेटेज है। ठीक है, पेपर के अंदर तो काफ़ी अच्छा वेटेज है 10 मार्क्स। ठीक है, तो मतलब कह सकते हो एवरेज है सारे जितने भी चैप्टर्स है उसमें लगभग इतना ही है, सब में 7 या 8 ही है, तो ठीक ही है। ठीक है, तो अपना ये जो चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, अब इसको पढ़ लेते हैं कि क्या 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 चीज़ें हैं इसके अंदर। तो देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये मतलब होता है, पहली बात तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है ये समझ लो। देखो इकोनॉमिक्स को हम एक सिंपल वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि हाँ भाई इकोनॉमिक्स जो है उसको हम बोल दे कि बस हाँ भाई किसी चीज़ की इनकम, किसी देश की इनकम को हम इकोनॉमिक बोल देते। हम इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती है, जैसे कि किसी देश के अंदर उसकी GDP कितनी है, वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है, उसकी देश की इनकम कितनी है, वो सारी चीज़ें मिलाकर ही इकोनॉमिक्स कहा जाता है, इकोनॉमिक्स की जाती है उस देश की। ठीक है, मतलब जैसे अपने देश की इकोनॉमी क्या है तो बेसिकली वहाँ पर इनकम, GDP और प्रोडक्शन कितना हो रहा है, आउटपुट कितनी हो रही, पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, वो टोटल मिलाकर उसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, अब वो जो अपना इकोनॉमी है, जैसे अपने देश की जो इकोनॉमी है या फिर किसी भी देश की इकोनॉमी जो होती है, हम उस इकोनॉमिक्स को, वो जो इकोनॉमी है उसको स्टडी करने के लिए 2 हिस्सों में उसे बांट सकते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर ये जो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये 2 तरीके हैं इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के। ठीक है, मतलब अपनी जो टोटल इकोनॉमी है उसको हम 2 तरीकों से स्टडी कर सकते हैं। एक है तरीका जिसको हम माइक्रो इकोनॉमिक बोलते हैं, बेसिकली हम माइक्रो लेवल पर स्टडी करेंगे, और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिसको अंदर हम मैक्रो लेवल पर स्टडी करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखो माइक्रो एंड मैक्रो में आपको कुछ सारी चीज़ें सिमिलर ही दिखती होगी, यहाँ पर स्पेलिंग भी सिमिलर ही है, बस इतना फर्क है कि इधर आई लिखा है और इधर ए लिखा है। ठीक है, तो आई जो है वो स्टैंड करता है इंडिविजुअल के लिए, यानी क्या कि देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल स्टडी करने की बात करता है, एंड मैक्रो इकोनॉमी जो है वो एग्रीगेट की बात करता है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, तो जैसे मैं आपको समझाता हूँ, अब देखो हमारा जो टोटल देश है, ठीक है, जैसे अपना ये जो इंडिया है टोटल, अब इसके अंदर देखो कोई भी पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है, जैसे अगर मान लेते हैं हम लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो होते हैं बेसिकली, तो जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कितनी डिमांड है अपने देश के अंदर, टोटल कितनी डिमांड है, उसकी कितनी सप्लाई है, ये सारी चीज़ों की जो हम स्टडी करते हैं एज अ होल, यानी पूरे देश को हम मिलाकर, एग्रीगेट का मतलब होता है कि पूरा टोटल। ठीक है, एक मिलाकर जब हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं कि भाई पूरे देश के अंदर जो है ब्यूटी जो है बेसिकली कॉस्मेटिक्स की कितनी डिमांड है, कितनी उसकी सप्लाई है, उसकी प्राइस कितनी है, प्रोडक्ट्स एवरेज प्राइस कितनी है, ये सारी चीज़ों की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बोला जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी की जा रही है। ठीक है, कि हम पूरे देश के लेवल पर स्टडी करें, अगर हम ये देख रहे कि भाई हमारे देश की इनकम कितनी है तो बोलेंगे हम मतलब एग्रीगेट स्टडी करें, यानी माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करें। अगर हम ये देख रहे कि हमारे देश का टोटल जो है वो पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट का सप्लाई कितना हो रहा है, हम लोग कितना अपना GDP है, हमारी GDP का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब कि बेसिकली हमारे देश के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी बोलते हैं। वहीं पर अगर हम ये मान लेते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर आदमी है वो ब्यूटी के ऊपर यानी कॉस्मेटिक्स के ऊपर कितना खर्चा करता है, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर आदमी मतलब बेसिकली जैसे मान लो कोई लड़की है, ठीक है, तो वो कितना खर्चा करती है उस पर्टिकुलर ब्यूटी कॉस्मेटिक्स के अंदर। तो जब हम ऐसे इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, बेसिकली आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग इंडिविजुअल की स्टडी क्यों करेंगे, ठीक है, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, कोई कंपनी है, ठीक है, ये कोई कंपनी है, अब कंपनी जो है वो चाहती है कि भाई हमारे पास जो ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है, हमारे जो कॉस्मेटिक्स के जो प्रोडक्ट्स है वो अच्छी तरीके से सही लोगों के पास बिके, यानी हम जिनको बेचना चाहते हैं उन्हीं को हम बेचें, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो देखते हैं, स्टडी करते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर वहाँ पर, मतलब क्योंकि अभी छोटे लेवल पर बिजनेस है तो पूरे देश लेवल पर अभी नहीं जा रहे उन लोग, तो लोग क्या करते हैं छोटे लेवल, छोटे मोटे एरिया में पहले वो लोग ये स्टडी करते हैं कि वहाँ पर टोटल लड़कियाँ कितनी है, ठीक है, वो स्टडी करते हैं कि कितनी लड़कियाँ, मान लो आधी लड़कियाँ वहाँ पर, ठीक है, उसमें से मेकअप का कितने लोगों को, मतलब
बेसिकली प्रेफरेंस है कि हाँ भाई ज़्यादातर लोग जो है मेकअप करना चाहते हैं, उनके जो टेस्ट हैबिट्स जो है वो सारी चीज़ों को स्टडी उन लोग करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो ये जो इन लोग इकोनॉमिक स्टडी कर रहे हैं वो एक छोटे लेवल पर कर रहे हैं, एक छोटे से एरिया के अंदर कुछ लोगों की स्टडी की जा रही है, इंडिविजुअल्स की स्टडी की जा रही है कि हाँ भाई ये जो लड़की है मतलब लड़कियाँ जो है अपने उनको जितने भी पैसा मिलता है, मान लो 1000 रुपये मिलता है तो उसमें से जो है वो 500 रुपये जो है कॉस्मेटिक्स के ऊपर खर्चा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन लोग इंडिविजुअल स्टडी कर रहे हैं एक पर्सन की, वो कितना खर्चा कर रहा है, क्या चीज़ें कर रहा है, क्या खरीद रहा है। तो जब हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को बोल दिया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात है, आपको मे भी समझ आ गया होगा हल्का फुल्का, भी आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा कि इकोनॉमिक्स को हम स्टडी करने के लिए दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं। या तो हम माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करें यानी एक पूरे देश को एज अ होल लेकर स्टडी करें, या फिर हम टुकड़े टुकड़े कर दें, यानी क्या ये जो पूरे देश की जो इकोनॉमी है उसको छोटे छोटे मतलब पीसेस में काट दें और फिर उसकी स्टडी करें। ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में काट कर स्टडी करें, तो अगर उस ऐसी स्टडी हम करते हैं तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी बोल देते हैं, या फिर इंडिविजुअल की स्टडी ऐसे भी बोला जा सकता है। ठीक है, मे बी आपको हल्का सा समझ आ गया होगा, नहीं समझा होगा तो अभी आगे हम पढ़ेंगे उसको और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ आप देखो अपना जो चैप्टर जो है उसका इंट्रोडक्शन, बेसिकली चैप्टर को हम नाउ फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो आपके टेक्स्ट बुक की ही सारी चीज़ें हैं तो अलग से कुछ नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखी गई है, वही सारी चीज़ें जो कि मैंने अभी आपको बताई कि देखो माइक्रो इकोनॉमिक जो है, बेसिकली माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो दो मेन ब्रांचेस है मॉडर्न इकोनॉमी को, मतलब अपनी जो इकोनॉमी है उसको स्टडी करने के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहला माइक्रो, बेसिकली माइक्रो क्या है, जो बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ टर्म है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस। ठीक है, माइक्रोस का क्या मतलब होता है, तो मिलियंथ पार्ट, मतलब क्या कि कोई भी एक चीज़ है जिसका अगर हम लोग लाखों टुकड़े कर देंगे तो उसका जो एक टुकड़ा होगा छोटा सा उसको हम माइक्रोस बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ पर हम इकोनॉमी के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं कि इकोनॉमी जो है अपनी जो नेशनल इकोनॉमी है उसके हम लाखों टुकड़े कर दे रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर दे रहे हैं और उस एक टुकड़े को हम लोग स्टडी करते हैं, तो इसलिए उसको भी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक बोलते हैं। तो ये ग्रीक वर्ड है माइक्रोस। ठीक है, आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस ऐसे याद रखना है कि भाई जो सी है उसके बदले में के लगा देना आपको। ठीक है, तो हो जाएगा। उसके बाद वैसे ही अपना जो मैक्रो जो है ये भी एक ग्रीक वर्ड से ही आया हुआ है जिसको हम मैक्रोस बोलते हैं, जिसका मतलब होता है एक लार्ज कोई चीज़। ठीक है, एक बड़ी सी कोई चीज़, एक बड़ा सा हिस्सा जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस। ठीक है, तो ये जो टर्म्स है ये किसने दिया था, तो नॉर्वेगियन इकोनॉमिस्ट रैगनर फ्रिज जो है ओस्लो यूनिवर्सिटी के 1933 में इन्होंने दिया था। ठीक है, तो बेसिकली ये ओस्लो यूनिवर्सिटी एक फॉरेन यूनिवर्सिटी जहाँ पर ये एक प्रोफेसर थे, तो इन्होंने ये उस टाइम पर बेसिकली ये इन्होंने ये जो टर्म्स है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी इन्होंने दिया था। ठीक है, अपने एक बुक के अंदर इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसके अंदर इन्होंने दिया था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत रैगनर जो फ्रिश है उनके बारे में समझ लेते हैं कि आखिर ये कौन पर्सन थे। तो देखो ये जो पर्सन थे इनका जो जन्म हुआ था वो 1895 और इनकी जो डेथ थी वो 1973 में हो गई थी। ठीक है, तो बेसिकली इनका जो पूरा नाम है रैगनर एंटोन किटिल फ्रिश। ठीक है, इसका नाम याद रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, पेपर में नहीं आता है, बट फिर भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, इसको रफली हम ऊपर ऊपर से जाएंगे। तो देखो बेसिकली ये जो नॉर्वेन इकोनॉमिस्ट है ये, एंड इनको एक जो है नोबल प्राइज़ भी मिला था, अकेले नहीं मिला था, इन्होंने एक और पार्टनर थे इनके जैन टेबर्जन, बेसिकली इनके साथ में मिलकर इन्होंने कुछ इकोनॉमिक के अंदर कुछ काम किए थे जिसकी वजह से इनको नोबल प्राइज़ मिला था। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल प्राइज़ होता है जब आप कुछ बहुत बड़ा कुछ काम कर लेते हो। ठीक है, तो बेसिकली इनको ये 1969 में नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, तो ही वाज एप्लीकेशन, मतलब इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की थी, इन्होंने मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए थे, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स दिए थे कि किस तरीके से हम डाटा एनालाइज कर सकते हैं, वैसे सारी चीज़ें की थी। ठीक है, और इन्होंने ऐसे अलग अलग बहुत सारे टर्म्स को भी इन्होंने बताया था कि हाँ इस चीज़ को हम लोग ये कह सकते हैं, उसमें से ही कुछ टर्म जो थे वो थे अपने माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, तो इन्होंने ही अपने ये जो टर्म है माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक दिए थे। ठीक है, कि अगर कोई इंडिविजुअल फर्म की हम स्टडी करें, प्रोड्यूसर की स्टडी करें तो माइक्रो इकोनॉमी, और अगर कोई एग्रीगेट इकोनॉमी की स्टडी करें तो मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, मे बी आपको समझ आ गया होगा। अब नाउ देखो यहाँ पर हम कुछ हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर हिस्टोरिकल रिव्यू का मतलब क्या होता है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हल्का फुल्का याद रहेगा तो सही रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो माइक्रो इकोनॉमी है उसका हिस्टोरिकल रिव्यू क्या है, यानी कि वो पहले मतलब किस तरीके से ओरिजिन हुआ, उसका हिस्टोरिकल मतलब पहले का कुछ इसका क्या क्या चीज़ है कि कब आया वो अपना माइक्रो इकोनॉमी, ऐसे मैक्रो इकोनॉमी का हिस्ट्री क्या है, वो सारी चीज़ें बताई गई है। ठीक है, तो देखो अपना ये जो माइक्रो इकोनॉमी है, ठीक है, मैं आपको रीड नहीं करवाऊंगा क्योंकि टाइम लगता है रीड करने में, जो मेन अपने जो डेफिनेशंस रहेंगे उनको ही मैं रीड करवाऊंगा, ये चीज़ें रीड करने लायक नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे काम हो जाएगा। ठीक है,
तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक जो एनालिसिस है ये कब आई, इसका ओरिजिन कहाँ है, तो आपको ओरिजिन इसका दिखेगा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अंदर, ठीक है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन होते हैं, तो बेसिकली देखो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बेसिकली देखो, पहली बात तो आपको स्कूल ऑफ थॉट पता होना चाहिए कि स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है, ठीक है। स्कूल ऑफ थॉट बेसिकली ये वो होता है, मतलब देखो अब अपनी जो इकोनॉमी है, ठीक है, अपनी जो इकोनॉमी है उसको चलाने के लिए हम लोग काफ़ी सारे थेरीज बनाते हैं कि हमारी देश की इकोनॉमी किस तरीके से चलनी चाहिए। वो थेरी कौन बनाता है, तो इकोनॉमिस्ट बनाते हैं, ठीक है। अब होता है क्या, देखो इकोनॉमिस्ट जो रहते हैं वो थेरी बनाते हैं, अब अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो पर्टिकुलर उनका थॉट होता है कि हमारी जो इकोनॉमी होती है वो इस तरीके से चलनी चाहिए, तो वो जो उनके थॉट्स होते हैं उन्हें हम स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं, ठीक है। अब काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट होते हैं जिनके जो स्कूल ऑफ थॉट है यानी उनके जो विचार है वो मिलते हैं कि हाँ भाई हमारी देश की जो इकोनॉमी है वो इसी तरीके से चलनी चाहिए। जब बहुत सारे लोग मिलकर एक पर्टिकुलर थॉट को रखते हैं तो वो जो पर्टिकुलर जो थेरी रहती है उसको हम स्कूल ऑफ थॉट बोल देते हैं कि हाँ भाई ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ये पर्टिकुलर, और उसको एक नाम दे दिया जाता है उस स्कूल ऑफ थॉट को। तो ऐसे ही क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसके अंदर काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट जो है वो एक पर्टिकुलर विचार को रखते हैं कि हमारी देश की इकोनॉमी इस हिसाब से चलनी चाहिए, ठीक है। तो इसके फाउंडर कौन थे, तो एडम स्मिथ ने इसने मतलब बेसिकली क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को फाउंड किया था। तो ये जो मतलब कह सकते हो कि स्टार्टिंग के जो इकोनॉमिस्ट है वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वाला ही है, ओके। तो इसका जो ओरिजिन है माइक्रो इकोनॉमिक का, वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे उनके द्वारा ही किया गया था। एडम स्मिथ ने एक बुक दी थी, मतलब पब्लिश की थी, जिसके अंदर उसमें उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में बात की थी। बट इसका जो मतलब पॉपुलराइजेशन जो है यानी ये मतलब ज़्यादा पॉपुलर कब हुआ, तो जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है बेसिकली न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के बाद जो आए इकोनॉमिस्ट उनको न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे ये इन्होंने क्या किया बेसिकली कि ये जो थे बेसिकली इन्होंने क्या किया कि इसके अंदर न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एक पर्सन थे, मतलब न्यू क्लासिकल जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके अंदर एक इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम था प्रोफेसर अल्फर्ड मार्शल, जिन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया था सारी चीज़ें, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पॉपुलर हो गया था उस टाइम पर, ठीक है। तो कह सकते हो ओरिजिन किसने किया, तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने किया है, लेकिन इसको पॉपुलर किसने किया था, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने किया था, जो कि प्रोफेसर अल्फर्ड मार्शल थे जिन्होंने अपनी बुक में बताया था। बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। आपको याद रखना कि वो डेफिनेशन जब आप आगे पढ़ोगे या फिर पॉइंट्स पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको ये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर अब यही सारी चीज़ें लिखी गई है कि और भी काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था, जैसे प्रोफेसर सैमुअलसन, जॉन रेडियनसन, ठीक है। अलग अलग और भी इकोनॉमिस्ट है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं बोली गई, ये बोली गई है कि देखो मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से पहले ही आ चुका था। अगर हम लोग की बात करें कैसे, तो देखो 16th and 17th century में क्या हो रहा था, तो उस टाइम पर जो मर्चेंटलिस्ट जो होते थे, मतलब ग्रुप ऑफ जो मर्चेंट्स होते थे, वो एक पर्टिकुलर थेरी को मतलब मानते थे। बेसिकली उन लोग क्या करते थे, नेशनल इनकम और जो वेल्थ है एक नेशन की उसको स्टडी करते थे, उसको एनालाइज करते थे, ठीक है। तो उसी टाइम पर मतलब माइक्रो इकोनॉमिक से पहले ही अपना मैक्रो इकोनॉमिक आ चुका था, तो उस टाइम पर वो सारी चीज़ें नेशनल इनकम वेल्थ वो सारी चीज़ों की स्टडी की जाती थी। एंड उसके बाद अगर हम लोग देखें तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने भी काफ़ी सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की थी, उन्होंने भी काफ़ी डिस्कशन किए थे, बताया था, बट उनकी उतनी ज़्यादा कह सकते हो ज़्यादा थोरो रिसर्च नहीं थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं थी, तो काफ़ी सारे फ्लॉज थे उनके जो थेरी थी उसके अंदर। जिसके बाद क्या हुआ था कि जो अमेरिका है उसके अंदर एक ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन बेसिकली एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था अमेरिका के अंदर 1930s के अंदर, जिसके बाद जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की जो थेरीज थी माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो फेल हो चुकी थी, मतलब कुछ काम नहीं चल रही थी। तो ऐसे टाइम पर एक नई स्कूल ऑफ थॉट आई जिसका नाम था केन्स, ठीक है। बेसिकली केन्स एक पर्सन है जिन्होंने एक नया विचार लाया, स्कूल ऑफ थॉट लाया कि हमारी इकोनॉमी किस तरीके से चलनी चाहिए, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन होना चाहिए। वो सारी चीज़ें आपको अभी जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तब आपको अच्छे से सारी चीज़ें, फर्स्ट नहीं तो सेकंड ईयर में जाओगे तो ज़्यादा डिटेल में इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। तो अभी आपको उतना डिटेल में नहीं समझने की ज़रूरत है, आप बस इतना समझ लो कि केन्स जो थे इन्होंने एक नया थेरी लाया जिसको इन्होंने एक अपने बुक में पब्लिश किया था, जनरल थेरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में इन्होंने पब्लिश किया, जिसमें इन्होंने माइक्रो इकोनॉमी को और अच्छी मैक्रो इकोनॉमी को और अच्छी तरीके से समझाया, ठीक है, जिसके बाद वो और पॉपुलर हो गई, ओके। तो इस तरीके से आया, ओके, मे बी आपको समझ आ गया होगा। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं, अब आगे की चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमी को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग कि माइक्रो इकोनॉमी क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस का स्कोप एंड उसके फीचर इंपॉर्टेंस सारी चीज़ें समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमी की यहाँ पर मीनिंग दी गई है कि माइक्रो इकोनॉमी मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, यानी छोटे से कोई भी चीज़ है, कोई भी एक कोई भी थिंग है उसका एक छोटा सा जो पार्ट होता है उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक माइक्रो बोल देते हैं, ठीक है। माइक्रो भी यहाँ पर मतलब बताया गया, माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, यानी माइक्रो का मतलब होता है कोई एक बड़ी सी चीज़ है जिसका एक छोटा सा जो पार्ट होता है उसको हम लोग माइक्रो बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब माइक्रो इकोनॉमी क्या हो गया, तो इसी तरीके से जो अपना नेशनल जो इकोनॉमी होती है इसका जो छोटा सा जो पार्ट होता है उसी को हम अपना माइक्रो इकोनॉमिक बोल देते हैं, जो नेशनल इकोनॉमी का
छोटा सा पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट होता है, उसको माइक्रो इकोनॉमी बोल दिया जाता है, ठीक है, जब हम उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो स्टडी द इकोनॉमी ऑफ एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इट स्टडी द इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और अ फर्म, प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और अ फैक्टर एसेट्रा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है, तो देखो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अपना ये जो माइक्रो इकोनॉमी है वो स्टडी किस चीज़ की करता है, तो ये स्टडी करता है इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर को। ठीक है, इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर यानी क्या कि जो आप पैसे से रिलेटेड जो एक्शंस और आपके जो बिहेवियर होते हैं उसको ये स्टडी करता है, कौन से लेवल पर, तो इंडिविजुअल लेवल पर, जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल फर्म, और पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट है तो उसका प्राइस, ऐसी चीज़ों को स्टडी करता है। ठीक है, अब ये इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर मतलब क्या, जैसे अगर मान लो कोई पर्सन है तो अपनी मनी को, अपने पैसे को किस तरीके से अपना स्पेंड करता है, किस तरीके से उसका बिहेवियर रहता है इकोनॉमिकली, अगर कोई चीज़ को खरीदना है तो वो, ऐसे सारी चीज़ों को डिमांड सप्लाई, वो सारी चीज़ों को ये स्टडी करता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन दी गई है, यहाँ पर दो लोगों ने डेफिनेशन दी गई है एंड आप दोनों में से किसी एक डेफिनेशन को याद कर सकते हो पेपर में। आपको देखो पेपर में किस तरीके से लिखना रहता है, तो देखो 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको बस इतना लिखना रहता है, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हो कि भाई माइक्रो इकोनॉमी क्या है, उसके बाद आप एक डेफिनेशन लिख देते हो। डेफिनेशन किस तरीके से लिखने का, तो पहले अकॉर्डिंग टू जो भी पर्सन रहेगा उसका नाम लिखने का एंड देन दो ऐसे कॉमा देने का, ठीक है, जो यहाँ पर दिया गया है वो देने का और फिर अपना डेफिनेशन लिखने का, फिर लास्ट में जैसे दो कॉमा दे देने का, अपना डेफिनेशन खत्म। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो एक चार्ट बना सकते हो कि हाँ भाई अब जो अपने पॉइंट्स है, ठीक है, जैसे मान लो आपको बोला है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी बोल दिया, तो आपको क्या करने का रहेगा, ऐसे पॉइंट्स बना देने का है कि हाँ भाई, मतलब देखो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, अगर मान लो 8 पॉइंट्स है अपने तो उसमें से आप 6 पॉइंट्स या 7 पॉइंट लिखोगे चलेगा, आपको हो सकता है पूरे पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, आप 6 भी लिखोगे तब भी आपको 5 ही मार्क्स मिलेगा और 8 भी लिखोगे तब भी 5 ही मार्क्स मिलेगा। ठीक है, बट अगर आपको आता है तो आप लिख सकते हो चाहो तो, बट अगर टाइम कम है तो आप 6 ही पॉइंट लिखो तब भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो आप डेफिनेशन देख लेते हैं, तो सबसे पहले जो डेफिनेशन दी गई है वो है मॉरिस डोब के द्वारा, इन्होंने क्या कहा है कि माइक्रो इकोनॉमी इज इन अ फैक्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी, यानी क्या कि हम माइक्रो इकोनॉमी का मतलब ये है कि जो इकोनॉमी अपनी उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करें। माइक्रोस्कोप आपको पता ही होगा कि भाई एकदम छोटे से हिस्से को स्टडी करता है, एकदम छोटे से टुकड़े के अंदर भी हम लोग घुस घुस के देखते हैं, तो ऐसे ही हम लोग इकोनॉमी को भी छोटे से हिस्से को भी घुस घुस के देख रहे, उसकी स्टडी कर रहे, तो उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी बोल देते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक बोल देते हैं। ठीक है, वहीं पे प्रोफेसर एपी लर्नर जो है उनके डेफिनेशन क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप, ये भी मतलब वही कह रहे हैं, बस और ज़्यादा डिटेल में बता रहे हैं कि हम माइक्रोस्कोप की मदद से इकोनॉमी को देख रहे हैं, एज इट्स वेयर टू सी हाउ द मिलियन ऑफ द सेल इन द बॉडी ऑफ द इकोनॉमी द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड, मतलब बेसिकली हम इस तरीके से देख रहे हैं कि जो अपनी इकोनॉमी की जो अलग अलग लाखों जो सेल्स है, ठीक है, वो सेल्स क्या है, तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल पर्सन, उसके हाउस होल्ड, कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, प्रोड्यूसर, ऐसे अलग अलग जो इकोनॉमी की जो सेल्स है उनको हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, फर्म और प्रोड्यूसर प्ले देयर पार्ट इन द वर्किंग ऑफ द होल इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब बेसिकली इकोनॉमी को हम एक जानवर की तरह समझ रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की तरह समझ रहे हैं और उसकी स्टडी कर रहे हैं हम माइक्रोस्कोप से और देख रहे हैं एक एक जो सेल है उसके शरीर के अंदर, एक एक जो सेल है, अलग अलग सेल्स का यहाँ पर नाम दिया गया है, जैसे कि कोई इंडिविजुअल है, कोई हाउस होल्ड है, कोई कंज्यूमर है, कोई प्रोड्यूसर है, ऐसे एक एक सेल को हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि वो किस तरीके से पूरी इकोनॉमी में यानी अपने ऑर्गेनिज्म के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्टडी को हम लोग बोल देते हैं माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। ठीक है, द फॉलोइंग चार्ट गिव एन आइडिया ऑफ द स्कोप ऑफ द इकोनॉमी, बेसिकली यहाँ पर आगे जो है आपको बताया जाएगा कि अब माइक्रो इकोनॉमिक जो है उसका स्कोप क्या है। ठीक है, स्कोप का मतलब क्या होता है, मैं आपको ये समझा दूँ। देखो स्कोप का मतलब ये होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक जो है उसको हम कहाँ कहाँ तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ तक इसका जो लिमिटेशन है, मतलब कहाँ तक कहाँ यहाँ पे ये माइक्रो इकोनॉमिक को इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी स्टडी, मतलब उसकी स्टडी जो है काम पे आएगी। तो देखो यहाँ पर 3 जगह पर ये इस्तेमाल किया जाता है, एक होता है प्रोडक्ट प्राइसिंग के लिए, एक होता है फैक्टर प्राइसिंग के लिए और एक होता है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है आपको समझा दूँ। तो देखो अगर मान लो आपका कोई भी प्रोडक्ट है और आप चाहते हो कि आप अपने प्रोडक्ट को प्राइस करो कि हाँ भाई मेरा प्रोडक्ट कितने रुपये का होना चाहिए, ज़्यादा महंगा रख दोगे तो जो गरीब लोग हैं वो खरीदेंगे नहीं और ज़्यादा सस्ता रख दोगे तो लगेगा हाँ भाई चीप प्रोडक्ट है, कोई खरीदेगा इसलिए भी नहीं। तो आपको अपना जो प्रोडक्ट है उसको एक फिक्स, एक अच्छा, एक मतलब एकदम रेंज में आपको प्राइस रखना पड़ेगा कि हाँ ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ज़्यादा सस्ता भी नहीं है और लोग खरीद सके। ठीक है, तो बेसिकली आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्राइस करना चाहिए तो वो जो है आपको माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी की मदद से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद होता है फैक्टर प्राइसिंग, आपके जो फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, ठीक है, फैक्टर आपको पता होंगे अपना जो बेसिकली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी नहीं, आपके जो फैक्टर ऑफ जो प्रोडक्शन है उसकी जो प्राइसिंग है वो आपको किस तरीके से करनी है। जैसे आपको पता है आपके फैक्टर्स कौन से हैं प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो लैंड को क्या चाहिए रहता है, रेंट चाहिए रहता है, लेबर को वेजेस चाहिए रहता है, अपना जो
कैपिटल है जो, मतलब बेसिकली जो कैपिटल है उसको इंटरेस्ट चाहिए रहता है, और जो अपना इंटरप्रेन्योर है उसको प्रॉफिट चाहिए रहता है, ठीक है। तो आपको उन लोगों को किस तरीके से उनकी प्राइसिंग करनी है, यानी आपको कितना रेंट देना चाहिए, आपको कितना वेजेस देना चाहिए, आपको कितना इंटरेस्ट देना चाहिए, कितना प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोग बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक की मदद से जान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी क्या कि आप ओवरऑल इकोनॉमी को किस तरीके से मदद कर सकते हो, एफिशिएंसी, प्रोडक्शन को इस तरह, मतलब ये सारी चीज़ें बताई गई है, ठीक है। तो आपको अभी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, आपको स्कोप बस इतना समझना है कि बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो तीन ही जगह पर इस्तेमाल होता है, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग और इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, ओके। तो सबसे पहले है प्रोडक्ट प्राइसिंग, द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी क्या कि जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ही ज़्यादा सप्लाई होगी, और जितनी डिमांड और सप्लाई उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट का प्राइस रहोगे, ठीक है। मान लो खरीदने वाले दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग खरीदने वाले हैं एंड सामान जो है 100 है, तो ऐसे टाइम पर आप प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा नहीं रख सकते, ज़्यादा रखोगे तो ये जो दो लोग हैं ये दूसरे जगह जाकर खरीद लेंगे, तो आपको उसी हिसाब से प्राइस को रखना पड़ेगा। बट अगर मान लो खरीदने वाले करोड़ लोग हैं और आपके पास प्रोडक्ट सिर्फ 100 है, तो ऐसे टाइम पर आप प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर यही है कि डिमांड और सप्लाई को देख कर आपको जो है अपने प्रोडक्ट की प्राइस रखनी है। माइक्रो इकोनॉमी इज कंसर्नेड विद डिमांड एनालिसिस, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर एंड सप्लाई एनालिसिस, दैट इज इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर, यानी क्या कि माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर हम इस तरीके से स्टडी करते कि हम पहले डिमांड को एनालाइज करते हैं, जिसके अंदर हम जो कंज्यूमर है उसको स्टडी करेंगे, एंड सप्लाई को एनालिसिस करेंगे, जिसके अंदर हम इंडिविजुअल जो प्रोड्यूसर है उसको स्टडी करेंगे, देखेंगे मार्केट में कितनी सप्लाई है, कितनी डिमांड है, और इस हिसाब से फिर अपने प्रोडक्ट की प्राइस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फैक्टर प्राइसिंग की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि इन माइक्रो इकोनॉमिक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी प्रोडक्शन करने के लिए चार फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिवॉर्ड फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, मतलब इनको क्या रिवॉर्ड, कितना रिवॉर्ड मिलना चाहिए वो जो है डिटरमाइन किस तरीके से होगा, तो हम माइक्रो इकोनॉमिक की मदद से कर सकते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ओके। कैसे करेंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं बताई गई है, बस नहीं बता के छोड़ दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा जो स्कोप है वो है इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि अपनी जो इकोनॉमी है उसको ये किस तरीके से वेलफेयर करेगा, तो देखो यहाँ पर लिखा गया है कि इकोनॉमिक वेलफेयर, ये जो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर है इसके अंदर होता क्या है, तो देखो इसके अंदर मेन यही चीज़ें है कि जो भी अपने जो रिसोर्सेस है वो किस तरीके से हम एफिशिएंटली अलोकेट कर रहे हैं। देखो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जैसे मान लो अगर हमें टमाटो केचप बनाना है, तो टमाटो केचप बेसिकली क्या बन गया, कोई नहीं, तो मान लो टमाटो केचप जो है ये टमाटर है, ठीक है, टमाटर जो है उसका जो केचप बनाना है, ठीक है, तो केचप बनाने की उसकी डिमांड मान लो बहुत सारी है, बट हमारे पास रिसोर्सेज क्योंकि अनलिमिटेड तो है नहीं, ये भाई गए निकालते गए कभी ख़त्म ही नहीं होगा, रिसोर्सेज लिमिटेड ही हमारे पास, तो वो जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका किस तरीके से हम एलोकेशन करेंगे, किस तरीके से हम कर सकते हैं, वो जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक वेलफेयर यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि हम इकोनॉमिकली वेलफेयर का मतलब होता है कि अच्छी तरीके से हम इकोनॉमी को चला सके, अपने जो रिसोर्सेज है उनका अच्छी तरीके से एलोकेशन इस्तेमाल कर सके। तो एफिशिएंसी इन द एलोकेशन आज attained when it result in maximization of satisfaction of the people, यानी क्या कि ये efficiency आपको कब मिलेगी, आपको ये allocation of resources कब हो जाएगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो satisfaction है वो fulfill होगा, यानी जितना ज़्यादा हो सके हम कम resources में ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है अपने जो products है वो दे सके, ठीक है, resources पहुँचा सके, तब बोली जाएगी कि economic efficiency है यहाँ पर, ठीक है। तो economic efficiency जो है वो तीन चीज़ों को इन्वॉल्व करती है, efficiency in production, यानी क्या कि अगर production के अंदर efficiency आ जाती है, production के अंदर efficiency क्या है, कैसे आएगी, तो अगर मान लो आपका जो प्रोडक्शन का जो स्टाइल है, जो सिस्टम है कि आप इस तरीके से प्रोडक्शन को करते हो, आपका जो प्रोसेस है उसको आप इस तरीके से कर देते हो कि आप थोड़े से रिसोर्सेज में बहुत सारा अमाउंट जो है, मतलब थोड़े से इनपुट में बहुत सारा आउटपुट निकाल लो, यानी थोड़े से स्केयर रिसोर्सेज से आप बहुत सारे रिसोर्सेज बना दो, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचा दो लोगों को, तो बोली जाएगी कि हाँ भाई आपके प्रोडक्शन के अंदर एफिशिएंसी है, ठीक है। तो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मींस प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने गुड्स एंड सर्विसेज दे सके, ठीक है, तब बोले जाएगा प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन है। उसके बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एफिशिएंसी इन कंजप्शन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि देखो आपका जो कंजप्शन है उसके अंदर भी एफिशिएंसी आनी चाहिए। कंजप्शन का एफिशिएंसी मतलब क्या कि जैसे आपके जो भी प्रोडक्ट्स, एक बार आप मान लो प्रोडक्शन कर देते हो तो अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा ताकि लोग जो है उस प्रोडक्ट को खरीद सके, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होना चाहिए कि हर एक पर्सन के पास जो है वो प्रोडक्ट आ सके और वो जो है उस गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर सके, ठीक है। तो अगर हर एक पर्सन के पास वो कंजप्शन के लिए आ जाता है प्रोडक्ट, यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा तरीके से हो जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का ताकि लोग उसे कंज्यूम कर सके, तो ऐसे टाइम पर बोल दिया जाएगा कि उसके अंदर एफिशिएंसी इन कंजप्शन भी है, ठीक है। एंड उसके बाद लास्ट है ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, यानी क्या कि इट्स मेन द प्रोडक्ट ऑफ दोज गुड्स व्हिच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल, यानी क्या हम
इकोनॉमी को पूरी अच्छी तरीके से एफिशिएंसी कब बोली जाएगी, जब यानी कि हम ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे जो कि लोगों को चाहिए। जैसे अगर मान लो हम कोई प्रोडक्ट कोई रिसोर्सेज इस्तेमाल करके हम ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। जैसे अगर मान लो हम लोग पेड़ काट कर कोई पर्टिकुलर जैसे दवाइयाँ बना रहे तो वो लोगों को ज़रूरत है, तो हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए कर रहे जिसकी लोगों को सही में ज़रूरत है, तो बोला जाएगा कि ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो है हमें मिल रही है, ठीक है, कि हम रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करें। और ये जो इकोनॉमिक वेलफेयर है तब हो जाएगा जब हम इकोनॉमिक जो बेसिकली रिसोर्सेज उनको अच्छी तरीके से एफिशिएंटली इस्तेमाल करेंगे, उनका कंजप्शन प्रोडक्शन जब अच्छी तरीके से होगा तो इकोनॉमिक वेलफेयर मिलेगा। और इकोनॉमिक वेलफेयर किस तरीके से मिलेगा, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करेंगे, ठीक है, मतलब छोटे लेवल पे स्टडी करेंगे। तो वही लिखा गया आगे कि माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी शो अंडर व्हाट कंडीशन दैट एफिशिएंसी आर अचीव्ड, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी जो है वो हमको ये बताता है कि कौन से लेवल में मतलब कौन सी कंडीशन में हमको सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी मिल सकती है। मतलब मान लो एक पर्टिकुलर सीज़न है, अगर उस टाइम पर हम बनाए तो उस टाइम पर ज़्यादा एफिशिएंसी मिलेगी, अगर ये पर्टिकुलर हम तरीके इस्तेमाल करें तो उससे हमें ज़्यादा एफिशिएंसी मिल सकती है, ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोडक्शन होगा, अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अच्छी तरीके से इकोनॉमिक एफिशिएंसी ओवरऑल मिलेगी हमको, तो इस तरीके से बताई गई है, ठीक है। तो दस द फोकस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स मेनली कंफाइनेड टू द प्राइस थ्योरी एंड रिसोर्स एलोकेशन, यानी बेसिकली अगर देखो तो माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो दो ही चीज़ों के ऊपर मेन फोकस करता है, एक प्राइस थ्योरी यानी कि हमको प्रोडक्ट और फैक्टर को प्राइसिंग करनी है, एंड दूसरा रिसोर्स एलोकेशन के ऊपर, ठीक है। तो इट डज नॉट स्टडी द एग्रीगेट रिलेटिंग टू द होल इकोनॉमी, ये पूरी होल इकोनॉमी को स्टडी नहीं करता है। द इस अप्रोच डज नॉट स्टडी नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जो नेशनल इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, वो सारी चीज़ों को स्टडी नहीं किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। द थेरी ऑफ ग्रोथ एंड थेरी ऑफ बिजनेस साइकिल मॉनेटरी एंड फेशियल पॉलिसीज एसेटार बियॉन्ड द लिमिट ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, मतलब ये सारी चीज़ें बाहर है माइक्रो इकोनॉमी की, ये सारी चीज़ें माइक्रो इकोनॉमी स्टडी नहीं करता है, ठीक है। अब नाउ यहाँ पर अब फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी को समझ लेते हैं, मे बी आपको ये समझ आ गया होगा माइक्रो इकोनॉमी क्या होती है। तो देखो फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी का मतलब क्या है कि देखो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमी जो हमारी ये जो स्टडी होती है माइक्रो इकोनॉमी, आखिर वो किस तरीके की होती है, किस प्रकार की होती है, इसके अंदर कौन से गुण होते हैं, ठीक है, उसकी फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग मैंने एक शॉर्टकट बनाया, काफ़ी ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, जिसकी मदद से आप पूरे के पूरे 8 के 8 पॉइंट जो है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी के याद कर सकते हो, ठीक है। इसका जो शॉर्टकट है वो ये है कि FC, ठीक है, जो आपका जो SP जो सब्जेक्ट है, ठीक है, सेक्रेटरी जो प्रैक्टिकल वो बेसिकली जो सब्जेक्ट है SP जो सब्जेक्ट है उसको आपको क्या करना है कि SP सब्जेक्ट पढ़ ले, ठीक है, पेपर आ रहा है SP सब्जेक्ट पढ़ ले, ठीक है। तो बेसिकली यही आपका शॉर्टकट है कि आपको SP सब्जेक्ट पढ़ ले, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो अपना SP और SUB जो सब्जेक्ट का जो है, और ये जो पढ़ ले का PA और L जो है, ये आपका शॉर्टकट के अंदर आता है कि आपका S से आता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, उसके बाद P से आता है प्राइस थ्योरी, फिर S से आता है स्लाइसिंग मेथड, और फिर उसके बाद U से आता है अपना यूज़ ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, फिर बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, ठीक है, बी से बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, फिर पी से अपना पार्शियल इक्विलिब्रियम, फिर ए से आता है अपना जो एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, एंड लास्ट में एल से आएगा लिमिटेड स्कोप, ठीक है। तो ये अपने टोटल 8 के 8 जो फीचर्स है वो इसे एक शॉर्टकट से आपको याद हो जाएंगे। तो 2-3 बार रटोगे SP सब्जेक्ट पढ़ ले, FC सब्जेक्ट पढ़ ले, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है, कि SP सब्जेक्ट पढ़ ले, ओके, आपको याद हो जाएगा 8 के 8 पॉइंट, ओके। तब एक एक पॉइंट पे आपको मैं समझा देता हूँ। तो पहले लिखा है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, यानी क्या कि यहाँ पर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक इंडिविजुअल यूनिट जो है इंडिविजुअल कंज्यूमर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर उनकी ही स्टडी करते हैं, वही चीज़ें हैं। उसके बाद प्राइस थ्योरी पी से अपना आएगा, यानी क्या कि माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो डील करता है कि हम लोग प्राइस जो रहता है गुड्स एंड सर्विसेज का, और जो फैक्टर रहते हैं प्रोडक्शन के उनके हम जो प्राइस जो है उसको हम लोग बेसिकली डिटरमाइन करने के लिए जो है माइक्रो इकोनॉमिक को स्टडी करते हैं, तो इसलिए इसको प्राइस थ्योरी बोल दिया जाता है, ठीक है, कि हम फैक्टर और जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है उसको डिसाइड करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से, ठीक है, तो इसलिए प्राइस थ्योरी। उसके बाद स्लाइसिंग मेथड क्या होता है, तो बेसिकली स्लाइसिंग मेथड का मतलब ये है कि अपनी जो होल इकोनॉमी है उसको हम टुकड़े कर देते हैं, स्लाइस का मतलब होता है टुकड़े कर देना, काट देना, ठीक है। तो हम अपनी जो इकोनॉमी है उसको काट डालते हैं, मतलब टुकड़े 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 मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, और फिर उस छोटे से टुकड़े को सेपरेटली करके उसको आइसोलेशन में रखकर अलग से रखकर उसकी स्टडी करते हैं, तो इसलिए बेसिकली यहाँ पर स्लाइसिंग मेथड है कि मतलब माइक्रो इकोनॉमी के अंदर हम लोग स्लाइसिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमी यूज द स्लाइसिंग मेथड, इट्स स्प्लिट और डिवाइड द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स एंड देन स्टडी ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल। जैसे एग्जांपल दिया गया है कि स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम, पूरे नेशनल इनकम में से हम लोग एक छोटे से पर्टिकुलर पर्सन की जब हम इनकम को स्टडी करते हैं, जैसे मान लो मुकेश अंबानी की स्टडी कर रहे हैं हम लोग कि कितना कमाते, तो ऐसे एग्जांपल बोला जाएगा कि हाँ भाई हम इंडिविजुअल स्टडी कर रहे हैं, यानी माइक्रो इकोनॉमिक की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये स्लाइसिंग मेथड हो गया। उसके बाद अपना यू से आएगा यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, ठीक है। मार्जिनलिज्म क्या होता है, तो बेसिकली ये कंसेप्ट होता है जिसके अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट जो है, अगर मान लो जैसे आपका प्रोडक्ट जो है वो 10 रुपये का है, ठीक है,
₹10 का है, उसके मतलब बेसिकली सॉरी ₹10 का नहीं, आपका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जो कॉस्ट लगती है आपकी वो ₹10 लगती है, ठीक है। ₹10 आपकी कॉस्ट लगती है आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाने में, जिसके बाद आप उसको ₹15 में बेच देते हो, ठीक है। बट अगर मान लो इसी कॉस्ट को आप थोड़ा सा बढ़ा दो, यानी ₹1 एक्स्ट्रा कर दो, इसके अंदर ₹11 कॉस्ट लगा दो, यानी थोड़ा सा और खर्चा कर दो, यानी थोड़ा सा और आटा लगा दो आप, ठीक है, ₹1 का और आटा ऐड कर दो। ऐसे ही करते करते मान लो आप, जैसे मान लो आप ₹100 का सामान टोटल बनाते हो, तो ₹10 आपका और ऐड हो जाएगा, तो आपको एक्स्ट्रा ₹10 का और बेसिकली बेनिफिट होगा, आप जब बेचोगे प्रोडक्ट को तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है, यूज़ ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल यही होता है। अभी आपको डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर ऊपर से ही समझो, काफ़ी है आपके लिए। तो द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज द की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। द टर्म मार्जिनल मीन्स चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट, यानी क्या कि एक यूनिट यानी एक सिंगल वन यूनिट जो है वो एक चेंज ला देता है पूरे एक टोटल जो अपना ओरिजिनल जो प्रोडक्ट है या फिर जो भी चीज़ थी उसके अंदर, तो उसी की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको मार्जिनलिज्म बोला जाता है, ठीक है। तो मार्जिनल एनालिसिस हेल्प टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू चेंजेस, यानी अगर हम थोड़े से चेंजेस लाए तो क्या क्या चेंजेस आएगा उसके बारे में हमें पता चलता है। यानी अगर मान लो हम चाहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हम बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर हम मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल इस्तेमाल कर ले कि अगर हम अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको ₹1 बढ़ा देते हैं तो हमको कितना मिलेगा, बेसिकली हमारी डिमांड कितनी बढ़ जाएगी, हमारी सप्लाई कितनी कम हो जाएगी। क्यों, देखो अगर हम लोग प्राइस को बढ़ाते हैं तो हमारी डिमांड थोड़ी कम हो जाती है, तो अगर ₹1 बढ़ा देंगे प्राइस तो कितनी डिमांड कम हो जाएगी, तो वो सारी चीजें हम स्टडी कर सकते हैं इसके मदद से, ठीक है, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल की मदद से। टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू चेंजेस द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टेक इकोनॉमिक डिसीजन यूजिंग दिस प्रिंसिपल, तो इसी हिसाब से डिसीजन लेते हैं कि हाँ भाई इतनी प्राइस रखेंगे और इतनी डिमांड रहेगी इस हिसाब से, ठीक है। तो बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, यानी कि आप देखो यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट अपना बी से जो है, यानी ये वाला जो बी है, ये नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, यानी क्या कि देखो माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो जब हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो हम कुछ अजम्पशंस को मान के चलते हैं, ठीक है। क्या अजम्पशंस को मान के चलते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, बींग द विद द फंडामेंटल अजम्पशन अदर थिंग रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर ही आपने 11 में भी पढ़ा होगा कि देखो कोई अपनी जो बेसिकली जो इकोनॉमी है जब हम माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे स्टडी करते हैं, जैसे मान लो किसी पर्सन की हम, जैसे हम मान लो डिमांड की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, डिमांड की कि मार्केट के अंदर डिमांड कितना है, ठीक है, एक पर्टिकुलर मार्केट है उसमें डिमांड कितना है किसी एक प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट का, ठीक है। तो जब हम इसकी स्टडी करें उस डिमांड की जब हम स्टडी करेंगे तो जो बाकी के जो फैक्टर्स रहते हैं, बाकी के फैक्टर्स मतलब क्या, जैसे कि अगर मान लो एक डिमांड को किस तरीके से चेंजेस लाया जा सकता है, ठीक है, अब कोई भी पर्सन है उसकी डिमांड किस तरीके से बदल सकती है, एक तो मेन जो रीज़न रहेगा वो रहेगा प्राइस की, भाई जितनी प्राइस कम रहेगी उतनी ज़्यादा डिमांड रहेगी, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर मान लो जो पर्सन है उसकी इनकम कितनी, अगर मान लो वो बहुत ज़्यादा कम कमाता है तो ऐसे भी डिमांड कम ही रहेगी, बट बहुत ज़्यादा ज़्यादा कमाएगा तो डिमांड भी ज़्यादा रहेगी। जैसे मान लो पनीर है, ठीक है, अगर मान लो आदमी कम कमाता है तो वो कम पनीर खरीद के लेके जाएगा, बट अगर मान लो वो आदमी 2-3 लाख रुपया महीने का कमाता है तो ऐसे टाइम पर 1 किलो पनीर खरीद के लेके जाएगा, ज़्यादा डिमांड करेगा। तो ऐसे अलग अलग और भी फैक्टर्स होते हैं, अगर मान लो कोई त्यौहार आ जाता है, कोई ट्रेडिशनल कोई चीज़ आ जाती है तो उस टाइम पर भी डिमांड बढ़ सकती है, ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज आ जाती है, कॉम्पिटिशन मान लो बढ़ जाता है, मान लो बाजू वाला जो है वही पनीर सस्ते में दे रहा है तो ऐसे टाइम पर इसकी डिमांड कम हो जाएगी इसके पास से पनीर की, तो ऐसे अलग अलग और भी फैक्टर्स होते हैं। बट जब हम बेसिकली जब हम माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं, मतलब ये डिम्ड मान के चलते हैं, अजम्पशन ले लेते हैं हम लोग, ये अजम्पशन का मतलब होता है मान लेना खाली, ठीक है, वो असली में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अजम्पशन का मतलब होता है हम सिर्फ मान लेते हैं, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो बाकी के जो फैक्टर्स है प्राइस को छोड़कर वो सारे के सारे जो रहेंगे वो रिमेन कॉन्स्टेंट रहेंगे, यानी मतलब चुपचाप रहेंगे, वो कुछ भी उनके अंदर चेंजेस नहीं आएंगे, सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस प्राइस ही के अंदर चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो यही बोला गया है कि अदर थिंग रिमेन कॉन्स्टेंट यानी सेटरस पेरिबस, ठीक है, बेसिकली ये इसको हम सेटरस पेरिबस बोलते हैं, जब सारी चीज़ें जो रहती है वो सिमिलर रहती है, सच एज परफेक्ट कंपटीशन, हम ये मानेंगे कंपटीशन एकदम परफेक्ट है, ठीक है, मतलब सारे लोग जो है एक ही प्राइस में प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, उसके बाद लेजीज फेयर पॉलिसी, प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट, सारे लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी है, सबकी जो बेसिकली इनकम है वो सारी चीज़ें सेम है, जब वो सारी चीज़ों को हम ये सिमिलर मान के चलते हैं, कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं कि हाँ भाई सबका जो है एकदम मतलब चीज़ सेम है, कुछ भी उसके अंदर चेंजेस नहीं आ रहे, तो ये अजम्पशन हम मान के चलते तब जाकर हम माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी कर पाते हैं, ठीक है। तो दिस अजम्पशन मेक द एनालिसिस सिंपल, जिसके वजह से अपनी जो एनालिसिस है वो आसान हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है पार्शियल इक्विलिब्रियम, ठीक है, पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, तो देखो पार्शियल इक्विलिब्रियम इज़ द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स, देखो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब दो फैक्टर्स जो रहते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, जैसे ये ए है ये बी है, जब ये इक्वल हो जाते हैं तो बोला जाता है ये इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। ऐसे ही मान लो अगर अपनी जो डिमांड है कोई प्रोडक्ट की और उसकी जो सप्लाई है जब वो इक्वल हो जाती है तो उसको इक्विलिब्रियम बोला जाता है, ठीक है, उस पॉइंट को जहाँ पर वो एकदम परफेक्ट
मतलब इक्वल हो जा रही है कि अगर हम लोग इतना अपना प्रोडक्ट का प्राइस रखेंगे, इतना सप्लाई रखेंगे तो अपनी इतनी डिमांड रहेगी, जब वो इक्वल हो जाती है तो उसी को इक्विलिब्रियम बोला जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विद पार्शियल इक्विलिब्रियम व्हिच एनालाइज इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। यानी क्या कि हम पार्शियल इक्विलिब्रियम करते हैं, यानी पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब क्या कि हम पूरे एज अ होल इकोनॉमी को तो स्टडी करते नहीं, हम एक पर्टिकुलर सिर्फ एक ही चीज़ को स्टडी करते हैं, तो हम पार्शियल यानी एक ही तरीके से हम मतलब पूरे इकोनॉमी को छोड़कर हम सिर्फ एक ही हिस्से के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, पार्शल हो जा रहे हैं ना हम लोग। जैसे बोलते हैं ना हम किसी दो लोग हैं, दोनों के बीच में हम सिर्फ एक ही पर्सन को ज़्यादा फेवर करते, पार्शल हो जाते। तो वैसे ही इक्विलिब्रियम की भी जब हम स्टडी करते तब उस टाइम पर भी हम पार्शल हो जाते और एक ही चीज़ की स्टडी करते हैं, पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। जैसे मान लो सिर्फ हम इंडिविजुअल कंज्यूमर की स्टडी करते या इंडिविजुअल फर्म की स्टडी करते और उनकी इक्विलिब्रियम को देखते, तो इसलिए बोला जा रहा है पार्शल इक्विलिब्रियम यहाँ पर हो जाता है। तो इट आइसोलेट एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम द अदर फोर्सेज एंड स्टडी इट्स इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली, मतलब उसको अकेले ही स्टडी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अपना लास्ट जो सेवेंथ जो फीचर है वो है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी क्या कि माइक्रो इकोनॉमिक एनालाइज डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर सच एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली एक्सेट्रा। यानी क्या कि देखो हम लोग मार्केट माइक्रो इकोनॉमिक की मदद से जो है हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर को भी एनालाइज करते हैं कि अलग अलग जो मार्केट होते हैं, जैसे बेसिकली यहाँ पर आपको मे भी पता होगा कि अलग अलग जो टाइप्स के मार्केट होते हैं, इलेवेंथ में पढ़ा होगा कि जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है जहाँ पर जितने भी सेलर्स होते हैं, मतलब जहाँ पर सेलर भी बहुत ज़्यादा है और जो कंज्यूमर है वो भी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर सप्लाई भी ज़्यादा, डिमांड भी ज़्यादा, एकदम सब बराबर है, वहाँ पर सारे लोग जो है वो एक ही तरीके प्रोडक्ट बेचते हैं, एक ही प्राइस पे बेचते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन हो गया। मोनोपोली में सिर्फ एक सिंगल सेलर होता है और सारे कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक और कंपटीशन ओलिगोपोली ऐसे अलग अलग बेसिकली है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली जो अपने अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसकी जो एनालिसिस है वो हम करते हैं किसकी मदद से, तो माइक्रो इकोनॉमिक की मदद से करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना लिमिटेड स्कोप, बेसिकली ये लास्ट पॉइंट फीचर है कि मतलब क्या कि अपना जो माइक्रो इकोनॉमी है उसका जो स्कोप है बहुत लिमिटेड है। मतलब देखो आपको तीन ही दिखा आपको स्कोप कि भाई बस वो जो है वो या तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग करेगा या तो अपना जो है वो रिसोर्स का एलोकेशन करेगा, उससे ऊपर उसका स्कोप ही नहीं है, वो नेशनल लेवल पर जा नहीं सकता, वो एक छोटे से लेवल पर ही रहेगा माइक्रो इकोनॉमी। वही बोला गया कि लिमिटेड स्कोप ही इसका, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी इज लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट, इट डजंट डील विद द नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सच एज इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत सस्ती हो जाती है, जैसे इन्फ्लेशन में हर चीज़ महंगी हो जाती है तो डिफ्लेशन में बहुत सस्ती हो जाती है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसे अलग अलग चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे इन्फ्लेशन में देखो, इन्फ्लेशन में अपनी चीज़ें महंगी हो जाती है तो लोगों को प्रॉब्लम होती है, और डिफ्लेशन में चीज़ें सस्ती हो जाती है। जैसे मान लो कोई फार्मर है, ठीक है, उसने अपना खर्चा पानी लगा कर, मतलब जो भी पैसा है लगाकर कोई फसल उगाई, ठीक है, उसका टोटल कॉस्ट जो है मान लो जो लगा वो 100 रुपया लगा, बट अचानक से वो सारी चीज़ें सस्ती हो गई और एकदम वो पहुंच गया 10 रुपये में, तो वो जो फार्मर उसका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है, कि उसने 100 रुपये लगाया 10 रुपये कमा पा रहा है। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होती है, इकोनॉमिक नेशन वाइड प्रॉब्लम्स होती है, तो वो जो प्रॉब्लम्स है वो उसको ये डील नहीं करता है अपना माइक्रो इकोनॉमी, वो उसका जो स्कोप है उससे बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, ठीक है। तो यही अपना फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मे भी आपको समझ आ गया होगा, इसकी आपको शॉर्ट कोड याद रखना है ताकि आपको पॉइंट्स याद रहे। अगर आप पेपर में सिर्फ 6 पॉइंट्स भी लिख देते हो तो इनफ होता है 5 मार्क्स से क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो बस आपको 6 पॉइंट्स लिख देना, आप सोच सकते हो कौन सा 6 लिखना है, नहीं तो आप पूरे के पूरे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको याद रखना है शॉर्ट कोड, एसपी सब्जेक्ट पढ़ ले, ठीक है, एसपी सब्जेक्ट पढ़ ले, ओके। उसके बाद नाउ देख लेते हैं आप इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। तो देखो यहाँ पर इसका जो शॉर्ट कोड है वो मैंने बनाया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पबजी फ्री फायर बंद करो, ठीक है, पेपर आ रहा है, पबजी फ्री फायर बंद करो, मत खेलो, ठीक है। तो इसका, ठीक है, तो ये इसका जो शॉर्ट कोड है ये पबजी फ्री फायर मत खेलो, बंद करो, ठीक है, पबजी फ्री फायर बंद करो, ठीक है, बंद करो मतलब बैन नहीं करने को बोल रहा हूँ, अभी मतलब खेलो बट, ठीक है, अभी पेपर आ रहा है उसके बाद खेलना, ओके। तो इसका जो शॉर्ट कोड है उसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो देखो पी से अपना आएगा प्राइस डिटरमिनेशन, यू से आएगा यूजफुल टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को काफ़ी यूजफुल रहेगा, फिर बी से आएगा अपना बिजनेस डिसीजन, फिर फ्री मार्केट इकोनॉमी एफ से, और फिर अपना फ्री के अंदर ही जो ई है उसका इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, फिर अपना फायर में एफ जो है उसका फॉरेन ट्रेड, एंड बी से अपना बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी, ठीक है। यही सारी पॉइंट्स है, देखते क्या है। तो सबसे पहला प्राइस डिटरमिनेशन आपको पता ही, मैंने अभी आपको बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से जो है हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं प्रोडक्ट और वेरियस जो फैक्टर्स अपने प्रोडक्शन है उनके, मतलब प्रोडक्शन और प्रोडक्ट प्राइसिंग और जो फैक्टर प्राइसिंग है वो माइक्रो इकोनॉमिक की मदद से ही की जाती है। तो प्राइस डिटरमिनेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से होता है। उसके बाद यूजफुल टू गवर्नमेंट, इट इज़ यूजफुल टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसी सच एज टैक्स, टैक्सेशन पॉलिसी, मतलब क्या कि देखो गवर्नमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा ये यूजफुल होता है माइक्रो इकोनॉमी, उनको भी पता चलता है हमारे देश के अंदर जो
इंडिविजुअल जो पर्सन है उसकी इनकम कितनी है, उसका जो एक्सपेंडिचर वो कितना है, कितनी डिमांड है पर्टिकुलर चीज़ की, कितनी सप्लाई है, तो उस हिसाब से वो टैक्सेशन भी रख देते हैं, उसी हिसाब से पॉलिसीज, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज, प्राइस पॉलिसीज की कितनी कितनी मतलब प्राइस रखनी चाहिए डिमांड और सप्लाई को देखते हुए, जैसे गवर्नमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा ये मदद कर देता है, ठीक है, जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन को मदद करता है ऐसे गवर्नमेंट को भी ये मदद करता है, दिस पॉलिसीज हेल्प द गवर्नमेंट टू अटेन हिज गोल ऑफ एफिशिएंसी एलोकेशन ऑफ रिसोर्स एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पर देखोगे क्योंकि आपको बताइए कि अपना जो माइक्रो इकोनॉमी है उसकी वजह से जो ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी मिलती है, यानी जो रिसोर्सेज वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल होते हैं, तो गवर्नमेंट को भी इसी से फ़ायदा भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस डिसीजन, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से हम बिजनेस के जो डिसीजंस होते हैं वो भी अच्छी तरीके से ले पाते हैं, जैसे प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रखनी है, कितना हमें सप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें आप माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज से कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको बताइए, मैंने अभी आपको बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक थेरी आर हेल्पफुल टू बिजनेस मैन फॉर टेकिंग क्रूशियल बिजनेस डिसीजन दिस, मतलब बेसिकली यहाँ पर आगे का पॉइंट मे बी मिस हो गया, ओके कोई नहीं, वैसे भी आगे पॉइंट कुछ सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मतलब पेपर के अंदर आपको बस ऐसे दो दो एक एक पॉइंट भी लिखे हो चलता है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब नेक्स्ट उसके आगे लिखा है फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, फोर्थ पॉइंट है फ्री मार्केट इकोनॉमी, मतलब क्या कि माइक्रो इकोनॉमी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द होल वर्किंग ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी वेयर द इकोनॉमिक डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सच एज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एक्सेट्रा आर टेकन एट इंडिविजुअल लेवल, देयर इज नो इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंसी। मतलब क्या कि देखो, अपना जो इकोनॉमी है बेसिकली, देखो माइक्रो इकोनॉमी जो है वो ये बताता है, मतलब इसमें यूजफुल है कि देखो हम लोग क्या है कि हम लोग ये समझ सकते हैं अपनी जो फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब वो इकोनॉमी होती है, वो मार्केट इकोनॉमी होती है जहाँ पर आपको कितना प्रोडक्शन करना है, कितना सप्लाई करना है, अपने प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखनी है, बेसिकली ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप खुद से डिसाइड करते हो, ठीक है। आपका प्रोडक्ट आप डिसाइड करोगे कितना बेचना है, इसका प्राइस कितनी रखनी है, ठीक है, सारी चीज़ें आप डिसाइड करोगे, गवर्नमेंट उसमें कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेगी, ठीक है। तो इसको भी समझने में, फ्री मार्केट इकोनॉमी को भी समझने में जो है अपनी जो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमी जो है वो मदद करता है, ठीक है, हेल्प करता है उसको समझने में, ठीक है, फ्री मार्केट इकोनॉमी को। उसके बाद देखो फिफ्थ जो अपना इंपॉर्टेंस है वो है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। मतलब क्या है कि देखो माइक्रो इकोनॉमिक में होता क्या है, देखो माइक्रो इकोनॉमिक में काफ़ी से ऐसे मतलब कह सकते हो ऐसे तरीके होते हैं, काफ़ी से ऐसे वेरिएबल्स, काफ़ी से ऐसे टर्म्स होते हैं जिसकी मदद से हम काफ़ी सारी चीज़ों को सॉल्व कर पाते हैं। जैसे अगर डिमांड एंड सप्लाई का ही देखें तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर इतना डिमांड रहेगा तो इस हिसाब से इतनी सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों के बारे में जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको देता है, जिसकी मदद से हम जो है काफ़ी सारे जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होते हैं जिसके अंदर मतलब इकोनॉमिक कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस टाइम पर हम उन मॉडल्स जो है बेसिकली जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से जो चीज़ें मिलती है हमको उनका इस्तेमाल करके हम उन सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो वही देखा गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक जो है हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स, इट हैज़ मेड अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी बाय डेवलपिंग वेरियस टर्म कंसेप्ट टर्मिनोलॉजीज टूल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। काफ़ी सारे टूल्स है जैसे वेरिएबल्स होते हैं कि जो डिमांड रहता है वो बेसिकली सप्लाई से रिलेटेड होता है, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक मॉडल्स आर बिल्ड यूजिंग वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स, काफ़ी सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके जो है इकोनॉमिक्स मॉडल्स को बनाया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर, एंड वो जो माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स जो होते हैं वो हेल्प मदद करते हैं अपने जो कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो उसको सॉल्व करने में मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉरेन ट्रेड, बेसिकली अब ये फॉरेन ट्रेड क्या है, ये मतलब क्या है, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो हेल्प है बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो हमें फॉरेन ट्रेड को भी बढ़ाने में मदद करता है। किस तरीके से, देखो लिखा है कि माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प इन एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड लाइक इफेक्ट ऑफ ट्रैफिक ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, टर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट। ट्रैफिक का मतलब होता है बेसिकली जो अपना टैक्स लगता है ना, ड्यूटी लगता है, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो वो सारी जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं तो उसका कितना इफेक्ट पड़ता है अपने प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर, और उसके बाद करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो कितना रहना चाहिए। जैसे $1 का आज के टाइम पर 80 रुपये जो है अपना इंडियन रुपीज़ है, ठीक है, तो वही कुछ साल पहले 72-70 रुपये के आसपास था। तो मतलब बेसिकली ये जो करेंसी जो है कि इसका रेट कितना होना चाहिए वो भी डिटरमाइन माइक्रो इकोनॉमिक की मदद से ही किया जाता है। ऑफ टू एनी कंट्रीज गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड और पर्टिकुलर कंट्री, ये सारी चीज़ें मतलब माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी की मदद से हम लोग पता कर पाते हैं, एंड फॉरेन ट्रेड भी हमारा बढ़ जाता है, ठीक है, अच्छी तरीके से समझ पाते हैं।
उसके बाद बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी आपको पता ही होगा कि अपनी जो ओवरऑल इकोनॉमिक जो एफिशिएंसी है वो हमको मिल पाती है जब हम माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करते हैं। हमको पता चलता है कि किस तरीके से हमारा प्रोडक्शन में एफिशिएंसी मिलेगा, हमको पता चलेगा कंजप्शन में किस तरीके से एफिशिएंसी मिलेगी और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी किस तरीके से मिलेगा माइक्रो इकोनॉमिक की मदद से। तो ओवरऑल वेलफेयर इकोनॉमी बन जाएगी अपनी, ठीक है, कि अपना सारी चीज़ें एफिशिएंटली इस्तेमाल होगी रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमी एक्सप्लेन हाउ द बेस्ट रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इट्स बेस्ट एलोकेशन। इट ऑल्सो स्टडी हाउ टैक्सेस अफेक्ट सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मे बी आपको इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक समझ आ गए होंगे। ओके, तो इसका यही आपको शॉर्टकट याद रखना है, पबजी फ्री फायर बंद कर। ठीक है, तो क्या है पी से प्राइस डिटर्मिनेशन, यूजफुल गवर्नमेंट, यूजफुल टू गवर्नमेंट, बिजनेस डिसीजन, फ्री मार्केट इकोनॉमी, फिर इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, फॉरन ट्रेड एंड लास्ट में बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी। तो नाउ यहाँ पर अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है और उसका जो इंपॉर्टेंस है वो भी फिनिश हो जाता है। अब मैक्रो इकोनॉमिक को समझ लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है? तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मीनिंग दिया गया है कि मैक्रो इकोनॉमिक मतलब क्या होता है। तो देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक विच एनालाइज द एंटायर इकोनॉमी। ठीक है, मतलब बेसिकली ये अपना इकोनॉमिक का ही एक ब्रांच है जो कि पूरी इकोनॉमिक को एंटायर इकोनॉमी को जो है एनालाइज करता है। इट डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजप्शन, टोटल सेविंग, जनरल प्राइस लेवल, इंक्रीज रेट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल, बिजनेस फ्लक्चुएशन। मतलब बेसिकली आप कह सकते हो जो टोटल से मतलब एग्रीगेट सारी चीज़ों को मिलाकर ये स्टडी करता है एज अ नेशन के हिसाब से, तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी बोल देते हैं। ठीक है, तो दस मैक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट। ओके, अब देखो यहाँ पर डेफिनेशन इसकी दो लोगों ने डेफिनेशन दी गई है, एक अपने जे एल हैंसन और दूसरे प्रोफेसर कार्ल शपिरो। ठीक है, इन दो लोगों ने डेफिनेशन दी गई है। सबसे पहला जो डेफिनेशन में क्या कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमी विच कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन द लार्ज एग्रीगेट सच एज द वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम एसेट्रा। ठीक है, बेसिकली इनकी ये डेफिनेशन है कि मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो एक ब्रांच है इकोनॉमी का जो कि कंसीडर करता है रिलेशनशिप बिटवीन जो अपना जो लार्ज एग्रीगेट जो है मतलब टोटल जो है एम्प्लॉयमेंट का, टोटल जो है अमाउंट ऑफ सेविंग का, इन्वेस्टमेंट का, इन सारी चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं तो उसी को मैक्रो इकोनॉमिक बोल दिया जाता है। वहीं पे प्रोफेसर कार्ल शपिरो क्या कहते हैं, तो देखो इनकी डेफिनेशन है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, मतलब इनकी डेफिनेशन काफ़ी सिंपल है कि मैक्रो इकोनॉमिक जो है ये इस तरीके से फंक्शन करता है, काम करता है कि इकोनॉमी को एज अ होल देखता है। ठीक है, इस तरीके से उसको स्टडी करता है। तो अब इसके भी स्कोप्स को हम लोग देख लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक का क्या क्या स्कोप है। तो देखो इसका जो इसके टोटल चार स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक के। सबसे पहला स्कोप है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी क्या कि मैक्रो इकोनॉमिक जो है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उसके बारे में स्टडी करता है। ओके, जैसे अभी हमने देखा कि टोटल एम्प्लॉयमेंट जो है, जैसे यहाँ पर देखो आपको दिखेगा टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, ये सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करता है। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं कि थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो इसके अंदर आता है। ये इसका सबसे पहले स्कोप है कि मैक्रो इकोनॉमिक जो है इनकम एम्प्लॉयमेंट के ऊपर स्टडी करते हैं। उसके बाद जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, यानी जो एवरेज जो रहता है ना ओवरऑल प्राइस लेवल, जैसे अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है तो किसी एक स्टेट में उस प्रोडक्ट की 10 रुपये प्राइस है, किसी में 15 रुपये प्राइस है, किसी में 17 रुपये प्राइस है, ऐसे ही करते करते जो टोटल जो एवरेज आ जाता है तो जनरल जो प्राइस लेवल हो जाता है पूरे देश का, तो उसके बारे में स्टडी करता है कि जनरल प्राइस लेवल कितना रहेगा, इन्फ्लेशन कितना है पूरे देश में, महंगाई कितनी बढ़ रही है, वो सारी चीज़ें। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसके बाद लास्ट आता है मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं तो इनको अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सप्लेन विच फैक्टर डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या कि देखो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी की मदद से हम लोग ये समझ सकते हैं कि कौन से फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर का मतलब होते हैं कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से अपना जो नेशनल इनकम जो है या फिर जो एम्प्लॉयमेंट है वो अफेक्ट पड़ता है। मतलब कि कोई कारण है जिसकी वजह से आपका जो इनकम है वो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, कोई ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो रहा है या फिर घट बढ़ रहा है, तो वो सारे जो फैक्टर्स है वो सारी चीज़ों के बारे में कौन बताता है, तो अपना मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो हमें उन फैक्टर्स के बारे में बताता है जिससे हमें पता चलेगा कि किस तरीके से हमारे इनकम और जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रहा है घट रहा है। टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड वी हैव टू स्टडी द कंजप्शन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, यानी क्या कि अगर हमको ये देखना है, जैसे अगर मान लो हमको पता करना है कि एम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है या फिर एम्प्लॉयमेंट क्यों कम हो रहा है, तो हमको पहले ये देखना होगा कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। जैसे मान लो मुंबई के अंदर अगर एम्प्लॉयमेंट जो है अचानक से बढ़ने लग गई तो इसका रीज़न क्या होगा, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, यानी बाहर से लोग जो है बहुत सारा पैसा खर्चा कर रहे हैं, वहाँ पर बिल्डिंग्स बन रही है, वहाँ पर फैक्ट्रीज बन रही है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगा, और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो रहा है मतलब बेसिकली तो वहाँ पर
एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई एक प्रोडक्ट का कंजप्शन बढ़ जाता है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसका सप्लाई भी बढ़ा देंगे लोग। ठीक है, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा पैसे लगेंगे, ज़्यादा फिर वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए सप्लाई करने के लिए, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो ऐसे अलग अलग फैक्टर्स जो थे वो बता देता है हमको ये कौन मैक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बिजनेस साइकिल जो है उसके बारे में ये भी एक पार्ट है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उसके दो हिस्से है। पहली बात तो थ्योरी ऑफ कंजप्शन फंक्शन एंड थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, कि जितना ज़्यादा कंजप्शन बढ़ेगा उतना ही एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उतना ज़्यादा ही एम्प्लॉयमेंट और आपकी जो नेशन की जो इनकम है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से इनकम अपनी बढ़ेगी, एंड ये दोनों जो है ये थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल से रिलेटेड है। ओके, उसके बाद देखो अब नेक्स्ट जो अपना थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल है अब उसके बारे में समझते हैं वो क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस शो हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड एंड फर्दर एक्सप्लेन व्हाट कॉस्ट फ्लक्चुएशन इन इट। यानी क्या कि पहली बात है जनरल प्राइस लेवल क्या होना चाहिए किसी भी चीज़ का, वो हम इससे पता कर सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक की मदद से, एंड क्यों उस प्राइस के ऊपर मतलब महंगाई हो रही है या फिर कम हो रहा है, फ्लक्चुएशन जो आ रहे हैं महंगाई या फिर सस्ती हो रही है चीज़ें, तो वो क्यों हो रही है, वो कॉजेस फैक्टर्स जो है वो भी हमें पता चलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से। तो द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज सिग्निफिकेंट ऑन अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाई इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। यानी क्या कि अगर हमको जनरल प्राइस लेवल जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाता है तो हमको ये भी समझ आ जाएगा कि क्यों हमारे देश में इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन हो रहा है, महंगाई या फिर कम हो रही है। ठीक है, काफ़ी सारे रीजन्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे किसी चीज़ की मान लो डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है और उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है, तो ऐसे टाइम पर वो अचानक से महंगा हो जाएगा। ठीक है, उसकी महंगाई बढ़ जाएगी, या फिर कोई सामान है मान लो उसका प्रोडक्शन अचानक से बहुत ज़्यादा हो गया, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया और डिमांड उतनी की उतनी है, तो ऐसे टाइम पर वो सामान की जो प्राइस है वो कम हो जाएगी। ठीक है, डिफ्लेशन हो जाएगा वहाँ पर। तो ऐसे अलग अलग जो रीजंस रहते हैं, फैक्टर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से पता कर सकते हैं और जनरल प्राइस लेवल को डिटरमाइन कर सकते हैं, और इन्फ्लेशन जो होता है महंगाई होती है उसको भी समझ पाएंगे। थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब ये क्या है, तो मैक्रो इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी। यानी क्या कि देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से हम ये भी समझ पाएंगे कि हमारा जो देश है, अगर जैसे हमारा देश जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, अभी डेवलप हो रहा है, डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, अमेरिका है तो वो डेवलप्ड कंट्री है, ऐसे ही काफ़ी सारे और देश होते हैं जैसे अफ्रीका है तो अभी वो अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, अभी वो डेवलप नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी वो अंडर डेवलप्ड है। जैसे जो कोई भी देश अगर वो जानना चाहता है कि हमारा देश क्यों अंडर डेवलपमेंट में है, ठीक है, क्यों पॉवर्टी में, तो वो सारे जो कॉजेस रहते हैं मतलब डेवलपमेंट ना होने के या फिर ग्रोथ ना होने के, वो सारे फैक्टर्स भी जो है अपना मैक्रो इकोनॉमी अपने को बताता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी, इट ऑल्सो सजेस्ट स्ट्रैटेजीज फॉर द एक्सेलरेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि अपने क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो भी बताता है और उस प्रॉब्लम के क्या क्या सॉल्यूशन है वो भी हमको बता देता है मैक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, एंड उसके बाद आता है मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये क्या है, तो बेसिकली ये वही चीज़ है कि माइक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील विद द रिलेटिव शेयर ऑफ रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन द टोटल नेशनल इनकम। मतलब बेसिकली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, यहाँ पर जो इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है, जो इनकम आ रही है अपने पास, वो इनकम को हमारे जो बेसिकली जो फैक्टर्स जो है प्रोडक्शन के, जैसे अपना जो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, उनके बीच में अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। बेसिकली जैसे अपना वो फैक्टर प्राइसिंग था वैसे ये थे मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर हम मैक्रो लेवल पर पूरे एक नेशन लेवल पर जो है अपने जो बेसिकली जो फैक्टर्स हैं उनको उनके जो रिवॉर्ड्स हैं वो दे देंगे। ठीक है, रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो ये भी कितना देना है डिटरमाइन किया जाएगा मैक्रो इकोनॉमी की थ्योरी की मदद से। ठीक है, अगर नेशन वाइज हमें देना है तो नेशनल लेवल पर देना है तो देखो यहाँ पर अपना स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक खत्म हो जाता है। काफ़ी सिंपल है, आपको बस इतना याद रखना है कि देखो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्या है, कि बेसिकली आपकी जो इनकम और जो एम्प्लॉयमेंट है, देखो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी, तो इसलिए इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाली थ्योरी इसके अंदर कैसे, तो अगर कंजप्शन बढ़ता है यानी डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा तो अपना जो सप्लाई बेसिकली एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, तो इस तरीके से भी बढ़ेगा अपना। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। उसके बाद ये बिजनेस थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल उसी के अंदर मतलब ऐड है। ठीक है, कि वो इसी से रिलेटेड है। उसके बाद देखो आगे क्या बोला गया है कि जनरल प्राइस लेवल डिटरमाइन कौन करेगा मैक्रो इकोनॉमिक की मदद से, हम जनरल प्राइस लेवल जान सकते हैं, मतलब एक एवरेज जो प्राइस होता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइस रहता है। जैसे मान लो हम चाय की बात करें, ठीक है,
जो अपना चाय होता है, ठीक है, चाय जो होता है किसी स्टेट में 10 रुपये का मिलेगा तो किसी स्टेट में 20 रुपये का मिलेगा, बैंगलोर में जाओगे तो वहाँ पर महंगा रहता है, और अगर बिहार यूपी में जाओगे तो वहाँ पर 5 रुपये का भी अच्छा खासा चाय मिल जाएगा, ठीक है। तो जनरल प्राइस लेवल मतलब एवरेज हम ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, डिफ्लेशन क्यों हो रहा है, वो सारी चीज़ें भी आपको पता चल जाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी आपको पता चलेगा कि क्यों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें पता चलेगी। एंड थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कि अपने जो रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट जो है वो हम अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टोटल नेशनल इनकम में से अपने जितने भी फैक्टर्स हैं उन लोगों को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मे बी वो स्कोप आपको समझ आ गया होगा। अब ना उसके फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को देख लेते हैं कि आखिर मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसके फीचर्स कौन से हैं, ठीक है। और उसको याद रखने के लिए जो शॉर्ट कोड है वो है आयम सिग्मा लूफी गम गम पावर, ठीक है, आपने मे भी देखा होगा वन पीस, ठीक है। तो अब एक एक करके जो है जितने भी फीचर्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अब उसको स्टडी कर लेते हैं हम लोग। तो देखो अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो फीचर है वो है इनकम थ्योरी, ठीक है। अब इनकम थ्योरी क्या है तो मैंने अभी आपको बताया जो अपने स्कोप में हमने देखा कि हम इनकम को किस तरीके से मतलब बेसिकली पता कर सकते हैं कि हमारे देश की जो इनकम है वो कितनी है और कौन से फैक्टर जो है वो डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो वह सारी चीज़ें पता चलेगी। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, हम नेशनल इनकम को स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इट इज डिफरेंट एलिमेंट मेथड ऑफ मेजरमेंट एंड सोशल अकाउंटिंग मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इट एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशन इन द नेशनल इनकम डैट लीड टू बिजनेस साइकल्स दैट इज़ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ठीक है। बेसिकली कि मतलब यहाँ पर होता क्या है कि अपना जो है मैक्रो इकोनॉमिक मतलब बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं कि हमारी जो देश की जो इनकम है वो कितनी है, नेशनल इनकम को हम स्टडी करते हैं एंड ये भी समझते हैं कि कौन से कॉसेस है जिसकी वजह से जो अपना इनकम जो है वो कम या फिर ज़्यादा हो रहा है अपने देश की, ठीक है। जैसे डिमांड कितनी बढ़ रही है अपने प्रोडक्ट्स की या फिर सप्लाई कितनी हो रही है, वो सारी चीज़ों की वजह से अपना जो इनकम है वो कम और ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। एंड अपना जो बिजनेस साइकिल है, ठीक है, वैसे मैंने आपको बिजनेस साइकिल का मतलब नहीं बताया। बिजनेस साइकिल का मतलब होता है कि देखो कोई भी बिजनेस होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया नहीं, मैं भूल गया। तो देखो कोई भी बिजनेस होता है, ठीक है, बिजनेस जो होता है वो कभी कभार जो रहता है वो ऊपर जाता है, ठीक है, कभी कभार ऊपर जाता है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, सारी चीज़ अच्छी चल रही है, बट कभी कभार ये नीचे चला जाता है, मतलब एकदम बेसिकली लॉसेस में चले जाते हैं लोग, उनके काफ़ी ज़्यादा मतलब क्राइसिस आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी को बिजनेस साइकिल बोलते हैं। तो ऐसे ही नेशन वाइज में भी देखोगे तो हमारे देश में भी ऐसा होता है, कभी कभार इन्फ्लेशन हो जाता है, बहुत महंगाई बढ़ जाती है, तो कभी कभार बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन हो जाता है, सस्ताई हो जाती है, तो इसी को बिजनेस साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो मैं भी आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देखो दूसरा जो इसका अपना फीचर्स है वो है स्टडी ऑफ एग्रीगेट, मतलब वही अपना जैसे अपना माइक्रो में था कि हम स्टडी ऑफ इंडिविजुअल को करते हैं, तो यहाँ पर हम एज अ होल एग्रीगेट का स्टडी करते हैं, ठीक है, कि पूरी इकोनॉमी को हम एज अ होल लेकर स्टडी करेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमी डील विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। इट इज़ कंसर्नड विद द एग्रीगेट कंसेप्ट सच एज नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, बिजनेस साइकिल एक्सेट्रा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ों को हम एज अ होल एग्रीगेट करके, एग्रीगेट का मतलब होता है पूरा, जैसे इसके नाम में ही अपना माइक्रो, देखो मैक्रो के अंदर ए आता है, ठीक है, अपना मैक्रो के अंदर ए आता है और ये जो ए है ये एग्रीगेट के लिए स्टैंड करता है कि हाँ भाई एग्रीगेट की स्टडी करेंगे। वही पे माइक्रो के अंदर आई आता है, ठीक है, तो वहाँ पर आई का मतलब इंडिविजुअल की हम स्टडी करेंगे, ठीक है, तो वही चीज़ें हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है वो है इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। अब इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ जो देखो इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है कि कोई एक चीज़ जो होती है वो दूसरे चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जैसे अगर मान लो अपना जो इनकम है वो अगर बढ़ जाता है, ठीक है, अगर अपने देश की इनकम बढ़ जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ जाएगी, मतलब अगर ज़्यादा कमाओगे तो ज़्यादा खर्च भी करोगे, एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होगा, और जब ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा तो ज़्यादा सप्लाई भी होगी, ज़्यादा सप्लाई होगी तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें इंटरडिपेंडेंस होती है। तो वही चीज़ें लिखेंगे मैक्रो एनालिसिस टेक इनटू अकाउंट इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्राइस लेवल एक्सेट्रा, जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर इनकम बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्राइस लेवल सारी चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल चेंजेस इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल फाइनली रिजल्ट इनटू चेंजेस इन द लेवल ऑफ इनकम, और इनकम चेंज होगा तो लेवल ऑफ आउटपुट भी बदलेगा, और वो भी एम्प्लॉयमेंट भी, इवेंचुअली द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी चेंज हो जाएगी, यानी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ, कम इन्वेस्टमेंट होगी तो कम इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मतलब सारी चीज़ें इंटरडिपेंडेंस है, वही चीज़ बोली गई है। उसके बाद जनरल इक्विलिब्रियम, जैसे वहाँ पर पार्शियल इक्विलिब्रियम था कि वहाँ पर हम पूरी इकोनॉमी में से एक हिस्से को ही सिर्फ पार्शियली लेकर इकट्ठा करके स्टडी करते थे, बट क्योंकि यहाँ पर एज अ होल लिया जा रहा है तो यहाँ पर हम जनरल लेकर चल रहे, यानी पूरी जो अपनी इकोनॉमी उसको एज अ होल लेकर उसकी स्टडी करेंगे, उसका इक्विलिब्रियम निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमी डील विद द बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट ऑफ द एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप। जनरल इक्विलिब्रियम डील्स विद द बिहेवियर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई।
एंड द प्राइस इन द होल इकोनॉमी। मतलब क्या कि कौन सा ऐसा प्राइस होना चाहिए, यानी अगर हम अपने प्राइस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है अगर इतना इसका इतना प्राइस कर दे तो इस हिसाब से इतनी हमारी डिमांड हो जाएगी। या फिर मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए कि मतलब हमारा जो डिमांड है वो सप्लाई के बराबर हो जाए, डिमांड और सप्लाई जब बराबर जाती है तो उसको इक्विलिब्रियम बोला जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला जाता है। तो वो जो जनरल इक्विलिब्रियम है उसकी जो स्टडी है वो भी हम कर पाएंगे, मतलब पूरे एज अ होल की स्टडी हम कर सकते हैं अपने देश की किसके अंदर, तो बेसिकली अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो अपना फीचर है वो है लंपिंग मेथड, ठीक है। जैसे वहाँ पर स्लाइसिंग मेथड होता था कि हम एक ही जो पूरा इकोनॉमिक जो है पूरा उसका टुकड़ा करके हम लोग उसकी स्टडी करते थे, तो यहाँ पर हम लंपिंग मेथड होता है, लंपिंग का मतलब होता है पूरा एक इकट्ठा होता है जो उसको, तो लंपिंग मेथड इज़ द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी रादर दैन इट्स पार्ट। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बोल्डिंग फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो प्रोफेसर बोल्डिंग जो है इन्होंने एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश की गई है कि मतलब मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है। देखो एक फॉरेस्ट एक जंगल है, इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज, वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग पेड़ हैं, ठीक है। बट इट डज नॉट रिवील द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल ट्री, यानी क्या, देखो मैक्रो इकोनॉमी में हम लोग क्या करें, मैक्रो इकोनॉमी को एक जंगल समझो, ठीक है। एक जंगल है जहाँ पर अलग अलग पेड़ है, ये आम का पेड़ है मान लो, ये पपीते का पेड़ है, ठीक है। मतलब ऐसे अलग अलग झाड़ पेड़ सब कुछ है यहाँ पर, या नीम का पेड़ है यहाँ पर, ऐसे अलग अलग बरगद का पेड़ है, ऐसे अलग अलग ढेर सारे पेड़ है, ठीक है, जंगल के अंदर ढेर सारे पेड़ है। लेकिन अब देखो हम लोग ऐसे तो बोल देंगे हाँ भाई जंगल के अंदर जो है मान लो 5000 पेड़ है, बट अब हर एक जो पेड़ है वो अलग अलग प्रॉपर्टी का है, कोई आम का पेड़ अलग है, बाकी नीम का पेड़ अलग है, जो मतलब ऐसे अलग अलग जो पेड़ है उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी जो हरकतें हैं वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो दिस रिवील द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी। माइक्रो स्टडी में क्या होगा कि हम एक पेड़ को स्टडी करेंगे, बट मैक्रो स्टडी में हम लोग पूरे जंगल की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो वही डिफरेंस है माइक्रो एंड मैक्रो में कि भाई हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर पूरे इकोनॉमी को एज अ होल रफली देखते हैं, बट माइक्रो में डिटेल में जाकर एक एक को देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो वही चीज़ें बोली गई है कि लंपिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, पूरा लंप ले लेते हैं, पूरा इकट्ठा करके एक ही बार में स्टडी कर देते हैं एज अ होल। फिर जनरल ग्रोथ मॉड्यूल, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी वेरियस फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी देखो जैसे हमने स्कोप में ही देखा कि बेसिकली अपना जो मैक्रो इकोनॉमी है वो हमको ये बताता है कि अपने जो देश की जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं, हम पॉवर्टी में है कि नहीं है, एंड कौन से कॉजेज है और किस तरीके से बाहर जाया जा सकता है, वो सारी चीज़ें जो है हमको मैक्रो इकोनॉमिक बताता है, ठीक है। जो फैक्टर्स होते हैं वो समझाने की कोशिश करता है। तो इट इज़ यूजफुल इन द डेवलपमिंग ग्रोथ मॉड्यूल्स, यानी ग्रोथ मॉड्यूल्स बेसिकली मतलब कि किस तरीके से हमें क्या क्या करना पड़ेगा कि हम जो है अपने देश की जो इकोनॉमी उसको बढ़ा सके, ऐसे जो मॉड्यूल्स होते हैं यानी थेरीज जो होती है, तरीके जो है वो डेवलप करने में जो है मैक्रो इकोनॉमी हेल्प करता है। दिस ग्रोथ मॉड्यूल आर यूज फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉर एग्जाम्पल महलनोबिस ग्रोथ मॉड्यूल एम्फोसाइज ऑन बेसिक हैवी इंडस्ट्री, ठीक है। बेसिकली एक अपना इकोनॉमिक मॉड्यूल है, बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ मॉड्यूल है जिसकी मदद से हम लोग मतलब बेसिकली इसके अंदर होता क्या, देखो ये जो मॉड्यूल है ये कहता है कि हमको इंडस्ट्री जो है उसके अंदर ज़्यादा अपना मतलब फोकस रखना चाहिए। जितनी इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, उतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इकोनॉमी बढ़ेगी, मतलब इनकम बढ़ेगी, लोगों की इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और लास्ट में अपना इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये मॉड्यूल का ये कहना था, ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग ग्रोथ मॉड्यूल्स जो है वो मैक्रो इकोनॉमी अपने को देता है जिसकी मदद से हम अपने देश को, देश की जो इकोनॉमी उसको ग्रोथ कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो सातवां जो अपना इकोनॉमी का जो मैक्रो इकोनॉमी का जो फीचर है वो है जनरल प्राइस लेवल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है तो आपको बताइए कि हाँ भाई हम लोग जनरल जो प्राइस लेवल होता है किसी भी प्रोडक्ट का पूरे एज अ होल लेकर देश का, उसको हम लोग पता कर सकते हैं। डिटरमिनेशन एंड चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल आर स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमी। जैसे अगर मान लो अपने स्टेट में देखो महाराष्ट्र के अंदर देखोगे तो जो चावल के जो प्राइजेस होते हैं वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं, किसी स्टेट में सस्ते होते हैं, किसी में महंगे। बट अगर हम पूरे देश के बारे में देखें, अगर पूरा देश के एज अ होल देखें तो वहाँ पर एक जनरल प्राइस रहता है कि हाँ भाई चावल जो है, राइस जो है वो इतने प्राइस में मिलना चाहिए, जो बासमती चावल है इतने में और जो नॉन बासमती चावल है वो इतने में मिलना चाहिए, ठीक है। तो एक जनरल प्राइस लेवल होता है, ओके। तो ये किस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, तो ये हम मैक्रो इकोनॉमी की मदद से पता कर सकते हैं। जैसे हम लोग जो अपना इंडिविजुअल प्राइस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो किससे पता चल सकता है, तो माइक्रो इकोनॉमी से। तो वैसे ही जनरल प्राइस लेवल जो है वो मैक्रो इकोनॉमी की मदद से पता कर सकते हैं। जनरल प्राइस लेवल इज़ द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करंटली बींग प्रोड्यूसिंग इन द इकोनॉमी। मतलब एवरेज ले लेते हैं पूरे देश की जो इकोनॉमी उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनके प्राइसेस को, तब जाकर अपना जनरल प्राइस लेवल आ जाता है। उसके बाद पॉलिसी ओरिएंटेड, अब ये क्या होता है तो अकॉर्डिंग टू केन्स, ठीक है। आपको पता ही है केन्स कौन है, अभी मैंने बताया ये एक बेसिकली इकोनॉमिस्ट है।
तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस, इट सजेस्ट सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, जनरल एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। मतलब क्या कि बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो एक पॉलिसी ओरिएंटेड बेसिकली थेरी है, कि मतलब इसकी मदद से हम लोग जो है अलग अलग पॉलिसीज बना सकते हैं अपने बेसिकली इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए। जैसे आपको पता है ग्रोथ मॉडल अपना ये बना देता है, मतलब इकोनॉमी को ग्रोथ करने में मदद करता है। तो ऐसे अलग अलग जो है अपने जो मॉड्यूल मतलब ऐसे थेरी से वो बनाने में सजेस्ट करता है, पॉलिसीज बनाने में मदद करता है, अपना जो इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, डिप्रेशन है, उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। तो वही सारी चीज़ें बोली गई है। तो मे बी आपको फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक समझ आ गया होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो इनकम थेरी आपको बताइए क्या है कि भाई हमारी जो इनकम है वो अब जो है वो कितनी है, वो क्या है, किस तरीके से वो कॉजेज, उसके फैक्टर्स क्या है, वो सारी चीज़ें पता चल जाती है। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट आपको याद रखना है, आई एम सिग्मा लुफी गम गम पावर। ठीक है, तो आई से आएगा इनकम थेरी, एस से आएगा अपना स्टडी ऑफ एग्रीगेट, और आई से आएगा अपना इंटरडिपेंडेंस। जो रेड कलर में सिर्फ वही वाला है, जो ब्लैक कलर में वो अपना बेसिकली शॉर्टकट के अंदर नहीं है। ठीक है, आपको इतना दिमाग होगा, आपको इतना पता चल ही गया होगा। उसके बाद जी से अपना है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, एल से आएगा लंपिंग मेथड, फिर गम से गम के अंदर जो जी है उससे आएगा ग्रोथ मॉड्यूल जनरल, उसके बाद जी से आएगा जनरल प्राइस लेवल, एंड लास्ट में जो पावर में पी है उससे आएगा पॉलिसी ओरिएंटेड। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब इसका जो शॉर्टकट है वो है फील्स पेन। ठीक है, काफ़ी ईजी सा है, फील्स और पेन। ठीक है, यहाँ पर फील जो है मतलब जो हम महसूस करते हैं, उसके अंदर जो एस लगा देना है आपको, फील्स उसके बाद पेन। ठीक है, तो पी और एन है यहाँ पर। इसका शॉर्टकट का फुल फॉर्म क्या आएगा, तो देखो एफ से आएगा अपना फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, फिर ई से आएगा अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उसके बाद वापस दूसरा जो ई है उससे आएगा इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, फिर एल से आएगा अपना लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एस से आएगा अपना स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, पी से आएगा परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, और लास्ट में एन से आएगा नेशनलिज्म। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए कि क्यों मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी जो है इंपॉर्टेंट है, क्यों करनी चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो क्या घाटा होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, यानी क्या कि इकोनॉमी को चलाने के लिए मैक्रो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी हिसाब से ही मैक्रो इकोनॉमी की पॉलिसी के हिसाब से ही जो है अपने देश की इकोनॉमी चलती है, कि हम इसी हिसाब से अपने इकोनॉमी को चलाएंगे। ठीक है, इसी आइडिया से चलाएंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस गिव अस एन आइडिया ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर पैटर्न ऑफ एग्रीगेटिव वेरिएबल इन द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब इसके वजह से हमें यह पता चलता है कि हमारे देश के अंदर जो भी एग्रीगेटेड वेरिएबल्स है, वेरिएबल देखो ये जो वेरिएबल है इसका मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। देखो वेरिएबल का मतलब, देखो इकोनॉमिक वेरिएबल बेसिकली ये वो वेरिएबल्स है, जैसे अपना डिमांड हो गया, अपना सप्लाई हो गया, अपना जो इनकम हो गया, तो बेसिकली ये उनको ही वेरिएबल्स बोला जा रहा है यहाँ पर। तो जो वेरिएबल्स के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उनका जो बिहेवियर पैटर्न है, कितनी डिमांड कब बढ़ती है, कब सप्लाई बढ़ती है, कब ये सारी चीज़ें होती है, तो वो सारी चीज़ों को आप समझ पाओगे और अपनी इकोनॉमी जो है उसको अच्छी तरीके से संभाल पाओगे, चला पाओगे। ठीक है, तो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक जो है अपने फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प टू एनालाइज द कॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इन द इनकम। ठीक है, मतलब बेसिकली इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मेक एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल देम और रिड्यूस देम सेवरली। मतलब क्या कि बेसिकली यहाँ पर आपको ये भी हो जाएगा कि अगर मान लो आपके देश के अंदर, अपने देश जो है जैसे इंडिया के अंदर मान लो अचानक से जो है इनकम जो है उसके अंदर फ्लक्चुएशन आ जाती है, इनकम कम हो गई देश की, या फिर आउटपुट जो है वो कम हो गया, एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, ऐसे कोई भी अगर फ्लक्चुएशन आ रहे, इन्फ्लेशन आ रहा है, डिफ्लेशन आ रहा है, तो ऐसी सारी चीज़ें अगर हो रही है तो पहली बात तो माइक्रो इकोनॉमी हमको ये बता देगा कि इसके कॉजेस क्या, यानी कौन से फैक्टर्स है जिसके वजह से अपना ये सारे चेंजेस आ रहे हैं, एंड उसके बाद ये भी बता देगा कि हम किस तरीके से इसको रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि अपनी जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो रही है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगी, जिसके वजह से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मतलब प्रॉब्लम्स भी बताएगा और उसके कॉजेस भी बताएगा और उसके सॉल्यूशंस भी बता देगा अपने को। तो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को संभालने के लिए भी हमको चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी चाहिए एडवांस्ड स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक, हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज सच एज पॉवर्टी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, डिफरेंस इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एसेट्रा, इट सजेस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब क्या कि अगर हम देखना चाहें जैसे हमारे देश जो है वो डेवलपिंग कंट्री, तो डेवलपिंग कंट्री के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे अपने ही देश के अंदर कि जो इनकम इनइक्वालिटी रहती है, कि ज़्यादातर जो मेजॉरिटी जो पोर्शन है इनकम का, वेल्थ का, वो एक कुछ सिलेक्टेड लोगों के पास ही है, और बाकी के जो मेजॉरिटी जो लोग हैं वो उनके पास वेल्थ उतनी नहीं है, इनकम उतनी नहीं है, जो गरीब लोग हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनकम इनइक्वालिटी है, पॉवर्टी है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है उनको किस तरीके से हम लोग मतलब ठीक कर सकते हैं, किस तरीके से अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम लोग अचीव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी जो है
अपने को मैक्रो इकोनॉमिक बताता है कैसे करता है, तो वो सारी चीज़ें नहीं बताई गई है, बस बोलता है हाँ भाई बताता है, ठीक है। तो आपको वो भी याद करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई किस तरीके से जो है हम करते हैं, आपको बस इतना समझना है कि हाँ भाई ये फैक्टर्स बता देता है कि कौन से कारणों की वजह से अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है एंड उसको किस तरीके से रिड्यूस करेंगे। क्योंकि आपको एक बार फैक्टर पता चल जाएगा तो आप ये समझ लोगे उस फैक्टर को हटा दो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो अपना फोर्थ जो है एल से अपना लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि आपका जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो भी इसी से मदद पता चलेगी। माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प टू एनालाइज द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन द इकोनॉमी, कि अपने देश के अंदर कितना लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि अगर मान लो 100 लोग हैं तो 100 में से कितने लोग जो है उनको एम्प्लॉयमेंट मिली है, मतलब जो वर्किंग पीपल है, ठीक है, कि हाँ भाई काम करने लायक लोग जो है, जो वर्क फोर्स है हमारे देश के अंदर, उसमें से कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है, तो जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी पता चल जाती है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट कुछ मतलब कर सकती है कि हाँ भाई अगर बहुत कम एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल रही है तो गवर्नमेंट कुछ योजना लाएगी, कुछ मतलब तरीके लाएगी कि हाँ भाई उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिले, ठीक है। और वही सारी चीज़ें तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को भी कंट्रोल करने में मदद करेगा, बहुत कम हो जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा, बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, कि हम मैक्रो इकोनॉमिक के जो वेरिएबल्स हैं उनको स्टडी कर सकते हैं अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे तभी ना, ठीक है। तो टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ इकोनॉमी स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर इंपॉर्टेंट, कि मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो अच्छी तरीके से चले तो उसके लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको स्टडी करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो ऐसे टाइम पर इकोनॉमी अच्छी तरीके से नहीं चलेगी, ठीक है। तो इसलिए ये स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक रिसर्च एज एंड बिहेवियर ऑफ टोटल इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो होते हैं इनको भी हम लोग समझ पाएंगे, उनको भी कंट्रोल कर पाएंगे अगर हम उन्हें अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं तब, ठीक है। एंड देन इकोनॉमी जो रहेगी अपनी वो भी अच्छी तरीके से काम करेगी, वर्किंग करेगी। उसके बाद देखो सिक्स्थ जो है अपना जो इंपॉर्टेंस है वो है परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। अब इसका मतलब क्या है कि मैक्रो इकोनॉमी हेल्प अस टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, नेशनल इनकम एस्टिमेट आर यूज टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी ओवर द टाइम बाय कंपेयरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन वन पीरियड विद दैट ऑफ द अदर पीरियड। मतलब क्या, जैसे अगर मान लो अगर आप किसी स्टूडेंट का परफॉर्मेंस देखना चाहते हो कि वो किस तरीके से कर रहा है, तो आप क्या करोगे, देखोगे अभी जैसे अगर मान लो अभी आप जो है ट्वेल्थ में हो, ठीक है, आपको अभी 12th में मार्क्स आएंगे, मान लो आपको आ जाते हैं 80%, ठीक है, 80% आ जाते हैं आपको, एंड आपको जो 11th में आए थे वो मान लो आए थे आपको कुछ 85%, तो ऐसे टाइम पे बोला जाएगा आपका परफॉर्मेंस जो है वो डाउन पे चल रहा है, पहले आप 85 लाए थे अब तो 80 लेके आ रहे हो, या फिर मान लो पहले आप 70 लाते थे अब 80 ला दिए, तो बोले जाएंगे कि हाँ भाई अब अच्छा ला रहे हो, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है। तो यहाँ पर आपका ग्रेड से आपका परफॉर्मेंस मतलब मापा जा रहा है, इसी तरीके से जो एक इकोनॉमी जो होती है, कंट्री की जो परफॉर्मेंस होता है वो मापा जाता है उसके नेशनल इनकम से, कि अगर वो पिछले साल मान लो 100 करोड़ कमाया था तो इस साल अगर वो 200 करोड़ कमा रहा है या 120 करोड़ कमा रहा है तो बोला जाएगा परफॉर्मेंस जिसका अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोला गया कि परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी जो है वो भी एनालाइज करने के लिए हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट मतलब लेके चलते हैं कि जितना ज़्यादा नेशनल इनकम होगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस है उसका पिछले साल से अगर ज़्यादा है तो, ठीक है, और अगर से कम है पिछले साल से तो बोला जाएगा हाँ भाई तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है पिछले साल से हमारे देश का, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो परफॉर्मेंस इकोनॉमी का वो भी हमें पता चलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से, क्योंकि उसी की मदद से हम एनालाइज कर पाते हैं परफॉर्मेंस को। उसके बाद दूसरा मतलब लास्ट जो अपना सेवन्थ जो इंपॉर्टेंस है वो है नेशनल इनकम, ठीक है। अब नेशनल इनकम तो आपको बताइए अपने देश की जो इनकम है, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक हैज़ ब्रॉट फॉरवर्ड दिस इमेंस इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंट, विदाउट अ स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी। यानी क्या, ये देखो अब मैक्रो इकोनॉमिक, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से ही हमें नेशनल इनकम पता चलती है कि हमारे देश की जो है वो टोटल इनकम कितनी है, नेशनल इनकम कितनी है, और एक बार अगर हमको नेशनल इनकम पता चल जाती है तो उसी हिसाब से हम अपना बजट भी बनाते हैं, उसी हिसाब से सारी जो पॉलिसीज होती है वही बनाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो आपको पता चल जाए कि आपकी टोटल महीने की इनकम कितनी है, ठीक है, ठीक है, मतलब टोटल जो आपकी इनकम है वो मान लो जैसे 3 लाख रुपये, ठीक है, 30 लाख बन रहा है, 3 लाख रुपए, ठीक है, टोटल जो आपकी इनकम है वो महीने की जो है वो 3 लाख रुपए, ठीक है, 3 लाख रुपए। तो इस हिसाब से ही आप अपने खर्चे करोगे, आप बोलोगे हाँ भाई मेरे को जाना है एक फ्रिज खरीदने का है, तो आप बोलोगे ज़्यादा महंगा वाला नहीं खरीदेंगे थोड़ा सस्ता ही खरीदेंगे, ठीक है, 3 लाख तो ज़्यादा ही मैंने बोल दिया, एक काम करते हैं इसको 30,000 ही कर देते हैं, ठीक है, 30,000 आपकी महीने की इनकम है। अब उस हिसाब से ही आप अपना जो सैलरी है उसको इस्तेमाल करोगे, आप बहुत बड़ा 50,000 1 लाख का तो नहीं खरीदोगे, काम करोगे, सोचोगे काम करता हूँ कुछ ज़्यादा महंगा नहीं फ्रिज खरीदने का, वॉशिंग मशीन बन गया कोई नहीं, तो जो भी है आप जो है सस्ता ही खरीदने की कोशिश करोगे, तो अपने बजट के हिसाब से खरीदोगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा आपकी इनकम कितनी है तो आप तो कुछ भी उठा के लेके आ जाओगे, बहुत महंगा भी उठा सकते हो आप, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर बोली गई कि अगर आपको नेशनल इनकम पता चल जाएगी तभी आप बाकी के पॉलिसीज़ को भी अच्छी तरीके से सेट कर पाओगे,
तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी की अगर हम नहीं करेंगे तो नेशनल इनकम नहीं पता चलेगी, और वो नहीं पता चलेगी तो बाकी पॉलिसीज भी हमको ढंग से नहीं बनाने को जमेगा, ठीक है। तो ये सारे बेसिकली इंपॉर्टेंस थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, मे भी आपको समझ आ गए होगा। इसका शॉर्ट कोड याद रखना है फील्स पेन, ठीक है। 7 पॉइंट्स है, अगर क्वेश्चन आता है पेपर में तो 6 पॉइंट्स लिखोगे तो चल जाएगा, 5 मार्क्स ले रहेगा तो 6 पॉइंट्स लिखोगे हो जाएगा काम, ठीक है। तो मे भी आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब एक लास्ट टॉपिक है जो कि मैं अभी ले ले रहा हूँ, ठीक है। लास्ट टॉपिक ये है कि यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन आ सकता है पेपर में, तो ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, मैं ऊपर ऊपर से ही लेंगे। तो देखो डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर में आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर ले ले रहा हूँ, नहीं आता तो मैं नहीं लेता। तो देखो सबसे पहला है मीनिंग, कि यहाँ पर मीनिंग बताया गया, मैक्रो इकोनॉमिक जो रहती है वो स्टडी होती है किसकी, तो इंडिविजुअल यूनिट और इकोनॉमी की। और उसके बाद मैक्रो इकोनॉमी में क्या होते हैं, तो यहाँ पर स्टडी होती है बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। फिर टूल्स का अगर बात करें तो इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई की यहाँ पर हम स्टडी करते हैं, और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की यहाँ पर स्टडी की जाती है, मतलब इसकी मदद से स्टडी की जाती है। टूल्स मतलब कि किसकी मदद से हम अपना जो मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी जो है कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई की मदद से, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की मदद से, ठीक है। फिर स्कोप कितना है, तो इसका वही तीन अपना स्कोप है, डिमांड और सप्लाई, मतलब प्रोडक्ट प्राइसिंग, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो आपको याद है प्रोडक्ट प्राइसिंग अपना, फैक्टर प्राइसिंग और इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है, अपना थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर आप उतना लिख दो हो जाएगा काम। यहाँ पर आपको वही चार लिखना है, नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, बेसिकली थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद अपना जो था जनरल प्राइस लेवल, उसके बाद अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन वाला, वही सारी आपको स्कोप लिख देने हैं यहाँ पर, और अजीब तरीके से लिखा है कोई नहीं। उसके बाद इंपॉर्टेंस दिया गया है, आपको वही सारी इंपॉर्टेंस लिख देने कि प्राइस डिटर्मिनेशन होगा, मॉडल बिल्डिंग होगी, बिजनेस डिसीजन अच्छे से होगा, यहाँ पर अपना मैक्रो के अंदर क्या होगा, तो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन को हम करेंगे, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, वही सारी चीज़ें। फिर थ्योरी की बात करें तो यहाँ पर प्राइस थ्योरी होती है, तो यहाँ पर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी होती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया गया इंडिविजुअल इनकम और इंडिविजुअल का आउटपुट, और यहाँ पर नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट, ओके। तो ये कुछ अपने पॉइंट्स थे जो कि आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा 6 पॉइंट्स ही, यहाँ पर कितने पॉइंट्स है, तो यहाँ पर 6 ही पॉइंट्स है, और 6 पॉइंट आपको देने भी पेपर में, यू 5 मार्क्स लेकर आता है तो दे देते हैं, ठीक है। तो मे बी आपको यहाँ पर सारी चीज़ें फिनिश हो जाती है, यहाँ पर अपना फर्स्ट जो चैप्टर है उसका वन शॉट लेक्चर भी फिनिश हो जाता है। थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही डिटेल में चले गए थे, बट कोई नहीं, क्योंकि ये पहला ही लेक्चर अपना, इससे हमने अभी तक कोई दूसरा लेक्चर नहीं बनाया इकोनॉमिक्स का, तो डिटेल में थोड़ा बहुत जाना पड़ा ताकि सारी चीज़ आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, फिर भी अगर कोई भी आपको डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो पूछ सकते हो, और ये जो लेक्चर है अपने दोस्तों के साथ पक्का शेयर कर दो, व्हाट्सअप ग्रुप और जो जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट से, वहाँ पर शेयर कर दो ताकि वो लोग भी जो है इस वीडियो को देख सके। एंड इसका जो नेक्स्ट लेक्चर, यानी अपना जो वन शॉट का जो पार्ट टू, जो दूसरा जो चैप्टर का जो लेक्चर है, वो भी अब जल्दी आ जाएगा, मतलब कल आ जाएगा, रेगुलर लेक्चर आएंगे, 10 दिन में मान लो अपना जो पूरा जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी आपका पेपर आते आते तक जो है इकोनॉमिक्स का पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप मान लो ये पेपर के एक दिन भी पूरा अगर फास्ट फॉरवर्ड में देखोगे तो आपको पूरा हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट कट तो मैं दे ही रहा हूँ आपको, तो उसी टाइम आपको लेक्चर लेते लेते याद भी हो जाएंगे सारे पॉइंट्स भी, ओके। तो अपने दोस्त लोग में शेयर कर देना पक्का, एंड वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगा होगा, कोई भी अगर प्रॉब्लम लगी, अगर कुछ आपको नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इसका नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आ जाएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, एंड अगर आपको कोई भी डाउट रहता तो आप इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो अगर यहाँ पर आपको नहीं जमता है तो। एंड आपको ये जो लेक्चर का PDF है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अगर आपको ये PDF चाहिए स्टडी पर्पज़ के लिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ले सकते हो उस PDF को। आपको दोनों की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की। एंड अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो, यानी पेपर एक दो दिन बाद ही देख रहे हो, मतलब एक दो दिन पहले देख रहे हो, या फिर मतलब काफ़ी लेट हो गया तब देख रहे हो, तो हो सकता है इसका नेक्स्ट लेक्चर आ गया हो, तो यहाँ से जाकर आप प्लेलिस्ट में चेकआउट भी कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।